वर्तमान में राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। और हमारे साथ माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश माननीय सुरेश राणा जी हैं, जो शामली से विधायक भी हैं। मैं माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन, जो प्रथम उत्तर प्रदेश यंग थिंकर्स मीट होने वाला है, उसके लिए युवाओं से जो चर्चा है उसको प्रारंभ करें। माननीय सुधांशु जी, जुड़े हुए सभी युवा प्रबुद्ध सहभागी बंधुओं, देखिए आज इस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग संयोग से एक ऐसे महत्वपूर्ण और विराट संक्रमण काल के साक्षी हैं, जब मानव जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का हम सामना कर रहे हैं कोविड महामारी के। तकरीबन 5,000 वर्षों से, जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है, तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया के 200 देश एक साथ इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर। चुनौती बड़ी है तो संकट भी बड़ा है, संकट बड़ा है तो अंधकार भी बड़ा है, परंतु आपको पता होगा कि गहरे अंधकार के उपरांत ही प्रातः की प्रथम अरुणिमा दिखाई पड़ती है। तो यह भी जान लीजिए कि चुनौती और अंधकार बड़ा है तो भविष्य में संभावनाएं भी बड़ी हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो इस चुनौती को अवसर बदलने की क्षमता रखता है। केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिनका के ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 वर्षों से, उनको जो जो चुनौती मिली है उन्होंने उसको अवसर में बदला। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक युवा मुख्यमंत्री हमारे सामने, जिनमें कर्मठता, निष्ठा, ऊर्जा और उसके साथ तमाम संभावनाएं आगे दिख रही है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम इस प्रोग्राम का शीर्षक देखते हैं उत्तर प्रदेश यंग थिंकर्स मीट, तो ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी यंग और थिंकिंग में बहुत तारतम्य नहीं दिखता। माना जाता है कि युवा में तो ऊर्जा होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, और कभी कभी उसका इतना प्रभाव हो जाता है थिंकिंग का पक्ष किनारे हो जाता है। परंतु भारतीय परंपरा सदैव ये कहती है कि हमारे अंदर यदि शरीर में शौर्य होना चाहिए तो मन में धैर्य भी होना चाहिए, और तब हम वास्तविकता में सही दिशा में सोच विचार करते चले जा सकते हैं। और फिर ये कहना चाहूंगा, जब उसमें उत्तर प्रदेश जुड़ जाता है तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ बात होती है और तो किसी दूसरे विषय के ऊपर जैसे विचार नहीं किया जा सकता। ये उत्तर प्रदेश की क्षमता, योग्यता, इन सारी चीजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और दुर्भाग्यवश पिछला 3 वर्ष छोड़ दें तो 25-30 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही फुल टर्म, अन्यथा लगभग लंबे कालखंड से एक ऐसा वातावरण बन गया था कि जैसे उत्तर प्रदेश का युवा तो सिर्फ राजनीति कर सकता है, और वह राजनीति भी सकारात्मक शब्दों में नहीं, वह राजनीति का भाव जो नकारात्मक संदर्भों में लिया जाता है। तो ऐसा लगता था जैसे कि उत्तर प्रदेश का संबंध सिर्फ युवा का संबंध उन्हीं चीजों से जुड़ जाता था। विश्वविद्यालयों में जो राजनीति होती थी उसमें सकारात्मक सृजनात्मक पक्ष का बिल्कुल अभाव होता था और केवल विशुद्ध नकारात्मक दृष्टि की राजनीति होती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्ग, जाति, संप्रदाय, मत, इन्हीं सारी चीजों में विभाजित थी,
और ऐसा लगता था कि कहीं कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स यानी जो एक हम कहते हैं सकारात्मक सृजनात्मक राजनीति उसका पूर्णतः अभाव दिख रहा था। और वैसे तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अक्सर जिसको हम बहुत युवा राजनीति कहते हैं उसमें जोश में कई बार गलतियां होने की संभावना भी रहती है, सही थिंकिंग का अभाव हो गया। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, अभी इससे पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा थे जब हमारी सरकार नहीं थी, और क्या हुआ आप सबने देखा। अभी हम लोगों ने परसों आपातकाल की 45वीं बरसी मनाई, वर्षगांठ कहना शब्द ठीक नहीं लगता है, तो याद करिए आपातकाल के दौर में कांग्रेस के तत्कालीन नेता संजय गांधी जी मेरे ख्याल से सबसे शक्तिशाली युवा रहे होंगे 70 वर्षों के इतिहास में। तकरीबन 30 वर्ष की आयु में वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसी में जो गलतियां हुई उसी से कांग्रेस को वो भयानक पराजय मिली थी 1977 की, अन्यथा हो सकता है 10-15 साल वो और आसानी से राज कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि युवा के पास सही दिशा हो तो वो ऊर्जा कहां पहुंच सकती है, और सही दिशा ना हो तो ऊर्जा कहां पहुंच सकती है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप सब ने शायद नाम सुना हो, एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के विचारक हुए टॉम फ्रीडमैन, जिन्होंने करीब 20 साल पहले एक किताब लिखी थी द वर्ल्ड इज फ्लैट। उन टॉम फ्रीडमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था, ये 9/11 के आसपास की घटना है, उन्होंने लिखा था सिमिलरिटी बिटवीन इंफोसिस एंड अलकायदा। इंफोसिस क्या है, विश्व की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी, और अलकायदा विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन जिसका सरगना ओसामा बिन लादन था। अब आप कहेंगे ये अलकायदा और इंफोसिस में क्या तुलना है, ये समझ नहीं आती। उन्होंने तुलना की, उन्होंने कहा दोनों में कई समानताएं हैं, दोनों एक साथ खड़े हुए, दोनों युवाओं के संगठन, दोनों के युवा बहुत प्रतिबद्ध, दोनों के युवा बहुत प्रतिभाशाली, दोनों के युवा बहुत सक्रिय, परंतु एक विध्वंसात्मक और एक सृजनात्मक। ये अंतर कैसे हुआ, उन्होंने कहा दोनों में यूथ पावर है, परंतु एक का युवा डिस्ट्रक्टिव है, उसने ले जाके सारे जहाज 9/11 में जाके अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरवा दिए, और उनके पास भी तो बहुत अच्छी शिक्षा थी, तो बड़े शिक्षित थे, बहुत अच्छी नौकरियों में थे, अमेरिका जैसे उस समय के मतलब मैं कहूंगा विश्व के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश में एक बेहतरीन जीवन यापन करने का उनके पास अवसर था, फिर भी उन्होंने यह निर्णय लिया। और दूसरी तरफ इंफोसिस के युवा जो कर रहे थे, तो एक तरफ न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा रहे थे ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के लोग, और दूसरी तरफ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स में भारत के विश्व के युवाओं की, जिसमें इंफोसिस के युवा थे, जिसमें भारी संख्या में भारत के थे, उनकी प्रतिभा की चमक दिखाई पड़ रही। बस इतना ही अंतर होता है, यदि आपके सही मूल्य होंगे, सही संस्कार होंगे, और यदि आप गलत दिशा में चले गए। इसीलिए आप सब यूनिवर्सिटी के छात्र रहे होंगे तो शायद आप सबको याद हो, सभी ने जब अपनी डिग्री ली होगी तो डिग्री लेने को अंग्रेजी में कन्वोकेशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दीक्षांत समारोह, शिक्षांत समारोह नहीं, दीक्षांत समारोह। और भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई। जब आप किसी गुरु की बात करते हैं तो यह नहीं कहा जाता किस गुरु से शिक्षा ली, किस गुरु से दीक्षा ली, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं, शिक्षा तो आज इंटरनेट से लेकर पुस्तकों तक मिल सकती है। दीक्षा मूल्यों की होती है, दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, दीक्षा आपको सही दिशा दिखाती है, इसलिए कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह है। यानी जब आपने सही संस्कार और मूल्यों के साथ एक सही दिशा प्राप्त कर ली, अब आप समाज में पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल यानी सृजनात्मक और सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को यदि हम देखें तो युवाओं की सबसे बड़ी संख्या यदि पूरी दुनिया में भारत में है तो भारत में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के युवा को आज तक एक सही सकारात्मक दिशा और वातावरण नहीं मिला,
अन्यथा मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर पहले आपको ये बात बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश था क्या। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आप सबको ध्यान होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब डलहौजी ने अवध को हड़पने का प्रयास किया, अवध यानी आज का मध्य उत्तर प्रदेश का भाग जिसकी राजधानी लखनऊ थी। क्यों क्यों हड़पना चाहा? क्योंकि उस समय अवध भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन यहां से होता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अपेक्षाकृत अविकसित, अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से कम समृद्ध राज्य की तुलना होती है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और जब बिहार की बात होती है। मगर केवल 150 साल पहले सबसे समृद्ध राज्य उत्तर प्रदेश, और इसीलिए उसको हड़पने के लिए डलहौजी सबसे आगे था। और जो आपने नवाब वाजिद अली शाह के किस्से भी सुने होंगे, वो एक प्रकार से क्या थे, वो एक समृद्धि की अभिव्यक्ति थी कि समृद्धि से ओतप्रोत था, फिर अचानक इतने गरीब कैसे हो गए। और यहां तक कि आप सोचें 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में केवल एक विश्वविद्यालय था, वो भी 1946 में बना हुआ सागर विश्वविद्यालय। तमाम ऐसे राज्य थे देश के जहां एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा के एक से एक उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, रुड़की जो कि अब तो उत्तराखंड में चला गया, विश्व में इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाला पहला रुड़की था, उसके बाद BHU से मिलती थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, प्रयाग की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, ये सब एक से एक उच्च श्रेणी के शिक्षा के संस्थान। फिर आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई? इसलिए कि सब कुछ था, क्षमता थी, प्रतिभा थी, मगर उचित वातावरण नहीं। अब हमारी सरकारों ने यह निर्णय लिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पिछले बजट में चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप योजना और मुख्यमंत्री की कौशल विकास योजना शुरू की गई, ताकि हमें तीनों स्तरों पर, पहले स्तर पे वो जो कामगार मजदूर, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से जो जो हमारे कामगार हैं आए, उनका पंजीकरण करें, और अब उनके लिए कौशल विकास की व्यवस्था कराना, हमारा युवा जो कि कामगार के रूप में काम करके देश की उत्पादन शक्ति में अपना योगदान देना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करना। दूसरी श्रेणी यानी तीन श्रेणी क्यों गई, वह युवा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसको आगे पढ़ने के बहुत बेहतर अवसर देना। जैसे आज ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, और यूपी बोर्ड विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा की संस्था है, इतने लाखों विद्यार्थी कहीं और नहीं एग्जाम में एक साथ अपियर होते हैं जो यूपी बोर्ड में अपियर होते हैं। वैसे मैं भी यूपी बोर्ड का ही पढ़ा हुआ हूं, मुझे भी याद आता है उस जमाने में जब रिजल्ट आता था तो कैसा प्रतीत होता था। तो शिक्षा के अवसर, उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के उसमें, तो एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना। और तीसरा, उच्च श्रेणी की शिक्षा। अगर आपको याद हो, शायद आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जमाने में भी तीन यूनिवर्सिटीज बनी थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, उसके बाद चौथी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी। इवन जब दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुए थे तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के बाद चौथा दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में बना। ये एक महत्ता थी उत्तर प्रदेश की। और आज भी आप देखिए, सबसे पहली IIT खड़गपुर बनी थी, उसके बाद IIT कानपुर बनी। जब 4 IIM थे देश में तो 1 IIM लखनऊ में बना। तो आज भी हमें उच्च श्रेणी की जो प्रतिभा युवाओं का प्रयोग करना है, उसके लिए भी सरकार ने समुचित व्यवस्था करके रखी है, ताकि उच्च श्रेणी के संस्थान और उनमें यदि रिसर्च अनुसंधान में हम आगे आना चाहें। उत्तर प्रदेश में एक और भी बहुत बड़ी संभावना है जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, पर्यटन, टूरिज्म, दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री कहलाती है, भारत में टूरिज्म के दो प्रकार हैं। एक है रिक्रिएशनल टूरिज्म और दूसरा है डिवोशनल टूरिज्म, जिसे हिंदी में कहेंगे। एक तो है पर्यटन, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं घूमना फिरना जाना, और दूसरा है तीर्थाटन, जिसमें श्रद्धा के भाव से आप पर्यटन करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तीर्थाटन के वह स्थान है
जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाता तो मैं मानता हूं कि दुनिया में तमाम देश ऐसे नहीं होंगे जहां इतने बड़े बड़े तीर्थाटन के केंद्र, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, इससे बड़े तो अंतरराष्ट्रीय प्रतीक भारतीय संस्कृति के हो ही नहीं सकते जिसको पूरी दुनिया जानती हो। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट पूरा है यूरोप में चला, थाईलैंड का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 9, अब उनकी डेथ हो गई, रामा द 10th है। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी अपने को भगवान राम के वंश परंपरा से जोड़ती है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरा अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट चलता है। और जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं तो अगर आप देखें तो भगवान बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में, यही अपने आप में इतना बड़ा तीर्थाटन का केंद्र। और अब ये सरकार ने जो निर्णय लिया कुशीनगर के अपने हवाई अड्डे को, विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय किया, यानी अब सीधे वहां के लोग आ सकेंगे भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल को देखने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ हमें एक नए अवसर ही नहीं देता है, यह आध्यात्मिक चेतना के एक नए प्रतीक के रूप में। अभी श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया और वहां भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो मैं मानता हूं कि भारत की आध्यात्मिक चेतना और विकास दोनों से एक साथ जुड़ा हुआ है, और यह दोनों के अंदर एक नए प्रकार के की संभावनाओं को आगे दिखाता। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की आंदोलन से लेकर निर्माण की प्रक्रिया के जितने चरण रहे ना, इसको आप देखिए तो भारत के विकास के चरण के साथ भी बहुत जुड़े। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में पहली FIR अंग्रेजों के जमाने में कब दर्ज हुई, 1858, जब करीब उसने थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 50 निहंग सिख अंदर घुस आए हैं और उन्होंने वहां हवन करना शुरू कर दिया है, और जो मस्जिद तथा कथित थी विवादित क्षेत्र था उस पर भी सब जगह राम राम लिख दिया है और कब्जा कर दिया है। या 1857, यही वो कालखंड था स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1947 देश स्वतंत्र हुआ, 1949 वही कालखंड है, मूर्तियां प्रकट होती है। जब पुरानी आर्थिक नीतियां समाप्त होती हैं, नई आर्थिक नीतियां शुरू होती हैं और भारत दुनिया में लोगों को महत्वपूर्ण नजर आने लगता है, भूमंडलीकरण उदारीकरण के चलते हुए हम लोगों को 100 करोड़ की मार्केट नजर आने लगता है। और 2010 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने यह माना कि वो केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम लला विराजमान है, यही वो समय था जब बराक ओबामा आए और भारत की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और 2019 जब यह जजमेंट आया तो आपने देखा दोबारा और एक नई क्षमता के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर उभरने के लिए आगे। अब मैं ये भी एक संयोग कहूंगा कि जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई थी तो उस समय उसकी सबसे पहले पूजा आराधना महंत दिग्विजयनाथ जी ने की थी। जब 1986 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसकी अध्यक्षता महंत अवैधनाथ जी ने की थी। अब संयोग से देखिए जब श्री राम जन्मभूमि का वहां निर्माण कार्य शुरू हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, यह भी एक नियति का। तो समझना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर एक इमारत नहीं थी जो बनने के लिए खड़ी थी, यह भारत की चेतना के विकास की एक प्रक्रिया थी जो उसके साथ चल रही थी। और अब यह दर्शा रही है कि जब भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो भारत के भी एक नए विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हम केंद्र के स्तर पर भी देखें तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहे मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, कौशल विकास योजना, वो सारी योजनाएं अपनी जगह है, परंतु केंद्र सरकार ने कुछ बहुत बड़े निर्णय भी लिए हैं। आज जब देश के ऊपर यह चुनौतियां सामने आ रही, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब लोग प्रबुद्ध हैं तो आपने वो सारी योजनाओं का डिटेल पढ़ा होगा, वो आंकड़े आपको पता होंगे, मैं उनको दोबारा नहीं दोहराना चाहता,
वो आप समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में, वेबसाइट में देख कर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक एंगल बताना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जो पुरानी सरकारें सोच नहीं पाई और हमने किया। उदाहरण के लिए, भारत को विकसित होना है तो ऊर्जा हमारे पास होनी चाहिए, तो जो कन्वेंशनल ऊर्जा है, आइडियल एनर्जी या कोल एनर्जी, उसके लिए तो जो निर्णय लेने थे लिए, जैसे अभी कोल ब्लॉक को, कैप्टिव कोल माइनिंग को समाप्त कर दिया, अब ओपन में भी वो बिल्डिंग कर सकते हैं। परंतु भारत जैसे देश में जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के बारे में कोई नहीं विचार हुआ था। जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद ही, बावजूद ही, यह सौर ऊर्जा में न सिर्फ लंबी छलांग लगाई बल्कि अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा के केंद्र के रूप में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत में बना। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे चाइना के साथ इस समय हमारा एक विवाद चल रहा है जिस कारण सुरक्षा के विषय के ऊपर लोगों का बर्बाद ध्यान चला जाए। अब बताइए, हम एक ऐसे देश थे जो चंद्रयान और मंगलयान बना सकते थे पर वायुयान नहीं बना सकते, ये बात समझ में आती है क्या? हम अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र बना सकते, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते, ये बात लॉजिकल लगती है क्या? इसका मतलब हमने बनाना नहीं चाहा। अब सरकार ने वह निर्णय लिया है, हमारे डिफेंस प्रोडक्शन भी शुरू हुआ, जिससे विकास होगा, नए रोजगार आएंगे, वो तो अपनी जगह है। देश इन मामलों में आत्मनिर्भर होगा और छोटे देशों को हमें उस चीज का एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलेगा। अभी आपने देखा लाइट कम्बेट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस था, जो पूर्णतः देश में निर्मित है, जिस पर रक्षा मंत्री ने उड़ान भी भरी थी, आपने 4-6 महीने पहले देखा होगा, वो भारत में बनने लगा। और इतना ही नहीं, अब देखिए हमारे जो विमान थे, जो चाहे नागरिक हो या सैनिक हो, उनको मरम्मत कराने के लिए विदेश जाना पड़ता था। अब मोदी जी ने निर्णय लिया कि ऑपरेशन रिपेयर और मेंटेनेंस का भी यहाँ पे सबसे बड़ा बेस बनेगा, ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस और रिपेयर के, जिससे भारत के नहीं आसपास के देशों के भी विमान यहाँ पे आए। तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया आपको, हमारे अंदर क्षमता थी, उसका युवाओं की क्षमता का सही ढंग से उपयोग अभी तक नहीं हुआ था। अब चाहे वो खेत में काम करने वाले किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार हो, उसे किसान सम्मान निधि मिलना हो, श्रमिकों को वन राशन, वन नेशन राशन कार्ड मिलना हो, अथवा उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने की सुविधा हो, अथवा आयुष्मान भारत में उनको स्वास्थ्य की संरक्षा हो, वहां से लेकर हम लड़ाकू विमान बनाना और एजॉल्ट राइफल बनाना, उसमें आत्मनिर्भर होना। और आपको याद हो पिछले लोकसभा चुनाव के समय हमने वो हासिल की थी कि अंतरिक्ष में जो लोअर ऑर्बिट है उसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से नष्ट कर सकते हैं, और वहां से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक हमने हर प्रकार की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था की है, जिसमें युवा अपनी सहभागिता के साथ एक नए भारत का निर्माण कर सकता है। मैं अधिक न कहते हुए, ताकि प्रश्नोत्तर के लिए अधिक समय मिल सके, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जब कोविड महामारी के बीच में एक ऐसा दौर नजर आता है जब ऐसा लगता है कि कहीं इतना घना अंधकार तो नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति है, मझधार है भंवर है या पास है किनारा, या नाश आ रहा या सौभाग्यता से जा रहा, परंतु आश्वस्त रहिए कि हमारे देश की परंपरा में वह ज्ञान और क्षमता है जिसे अगर युवा अंगीकार करके अपनी ऊर्जा के साथ मिला ले तो उसके पीछे हमें नया स्वर्णिम प्रभाव दिखाई देगा। हमारे पुराना गीत था, उसकी यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि नित करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल आते, नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते, तब करके शर संधान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। तो आज जितनी भी आपदाओं के बादल आए, आपने देखा कि सीमा पर लड़ते हुए हमारे वीर सैनिकों ने किस प्रकार से शौर्य के साथ बलिदान दिया और राष्ट्र की रक्षा की, वहां से लेकर हमारे वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं, चाहे कोरोना की दवा और वैक्सीन निकालने के लिए या आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए, अथवा हमारे वो सभी छात्र जो कि
पढ़ाई करते हुए अनुसंधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सब अपना योगदान दे रहे हैं। आश्वस्त रहिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के सक्षम नेतृत्व, केंद्र में मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम एक नए युग संधि और युग प्रभाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। हम लोग सब भी उत्तर प्रदेश और भारत के सबसे ओजस्वी वक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और माननीय सांसद राज्यसभा हैं, उनको सुन रहे थे। उनसे जितना भी राष्ट्रीय चिंतन की जितनी भी प्रश्न हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री सुरेश राणा जी हैं, जो गन्ना विकास के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कार्य किसानों को लेकर हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक प्रमुख योगदान कृषि गन्ना मंत्रालय का रहता है। मैं माननीय मंत्री जी सुरेश राणा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुधांशु जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि वो लगातार जब भी हम लोगों को अवसर मिलता है तो हमारा बहुत ही एक सार गर्भित मार्गदर्शन उनके द्वारा होता है और लगातार तर्क के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर वो बोलते हैं। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। लोकनीति के मंच पर एक शानदार मंच, और मैं कह सकता हूं कि नौजवान शक्ति यहाँ है, नौजवान शक्ति का संचय है, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ है। और एक ऐसे समय में, जैसा आदरणीय सुधांशु जी ने कहा है कि जब पूरी दुनिया कोविड के खिलाफ लड़ रही है, हम लोग यहाँ अच्छे विचारों को लेकर के और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए ये जो उत्तर प्रदेश की यंग थिंकर मीट जो हमने रखी है यूथ के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत सत्येंद्र जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण विचार होता है और मुझे लगता है कि विचार के दृष्टिकोण पर बढ़ने वाली सरकारें वो अपने ही विचार से आगे बढ़ती हैं। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि एक नौजवान के नेतृत्व में वो भी सरकार थी जो उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पहले थी, और एक सरकार आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। तो जब हम वैचारिक दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को लेकर के चलने वाली सरकार, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने वाली सरकार, और जो नेता बोलता हूं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, मैं कह सकता हूं कि इन विचारों के साथ चलने वाली जो सरकार है निश्चित रूप से विचारों के आधार पर सरकार पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है, सीधा सीधा उसका फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में नौजवानों की शक्ति के द्वारा बनाई हुई सरकार चल रही है, और सरकार का क्या अंतर है ये विषय नहीं है, लेकिन हाँ ये विषय जरूर है कि चूंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान जुड़ा हुआ है तो सरकार आने से पहले क्या चित्र था उत्तर प्रदेश का, क्या माहौल था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मानो लगता था कि जंगल राज का माहौल है, और मैं तो कई बार कहता हूं कि कई सारे नौजवान मित्रों से जब बात होती है तो कहते हैं कि हम हॉस्टल में कहीं बेंगलोर रहते थे या हॉस्टल में कहीं पुणे रहते थे, और हमसे पूछा जाता था कौन से राज्य के रहने वाले हो तो हमें बताते भी डर लगता था हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की चर्चा आती थी तो एकदम एक मन में एक चित्र जागता था कि वो उत्तर प्रदेश जहाँ की कानून व्यवस्था बेहद खराब है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं है, जहाँ नारी सशक्तिकरण नहीं है, जहाँ किसानों को उनके फसलों का भुगतान नहीं है। लेकिन मैं बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश का चित्र 3 साल के अंदर बदल करके रख दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं और पहले भी विचार हमने सुना कि उत्तर प्रदेश के पास असीम संभावनाएं हैं, चाहे वो यहाँ के किसानों की संभावना हो, चाहे यहाँ की यूथ पावर हो। उत्तर प्रदेश देश का सबसे नौजवान प्रदेश है, चाहे यहाँ की मैन पावर हो
या यहाँ का की भौगोलिक पृष्ठभूमि हो। हम कई बार भौगोलिक आधार पर जब बात करते हैं तो जिन लोगों ने भौगोलिक आधार पर पिछड़ापन बढ़ाया उन लोगों के मन में कभी शायद ये बात नहीं रही होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को यदि छोड़ दें कि भौगोलिक आधार पर ही हमें बहुत ज्यादा माइलेज मिल सकती है, भौगोलिक आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बुंदेलखंड। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने फोकस किया। और मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले हमारे सामने चैलेंज था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब थी और तमाम पढ़ने लिखने वाले लोग और ऐसे लोगों के साथ मैं संवाद स्थापित कर रहा हूं जो लगातार पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, चीजों को बोलना जानते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जहां सबसे निचले पायदान पर थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई। जब भी कहीं कोई चर्चा होती है, और मुझे तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी एक दिन पूर्व ही यदि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अभिवादन करते हैं इस बात के लिए कि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ आपने मिलकर के शानदार एक युद्ध आप लड़ रहे हैं, एक शानदार व्यवस्था आपने की है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, केवल आदरणीय योगी जी का नहीं, मैं गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का सम्मान बढ़ता है, उत्तर प्रदेश के हर यूथ का सम्मान बढ़ता है, और उत्तर प्रदेश से जिसकी भावना जुड़ी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहता भी ना हो, उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी है वो जहां भी बैठा है उसे लगता है कि मेरे उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है और मेरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चूंकि मैं उस एपिसोड में शामिल रहा इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने सरकार बनते ही आदरणीय योगी जी से आग्रह किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक इन्वेस्टर मीट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसका आपका क्या ब्लूप्रिंट क्या है, तो हम लोगों ने कहा कि ब्लूप्रिंट ये है कि 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाए और 50,000 करोड़ रुपए के एक इन्वेस्टमेंट की हम एक इन्वेस्टर मीट करना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए। तो वाक्य याद है कि उन्होंने कहा 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट की बात कर रहे हो और इन्वेस्टर मीट इसका आप नाम रखना चाहते हो तो आपको पुनः विचार करना पड़ेगा और दोबारा संकल्पित होकर के आइए और सोच करके आइए, बड़े मन के साथ आइए, कम से कम 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना लेकर। मुझे याद है कि जब उन्होंने ये बोला तो लगा कि बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कठिन चुनौती हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं जब विचार कहीं से आता है, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है विचार, जब विचार कहीं से आता है तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है, उसका उदाहरण सबसे बड़ा यही है कि हम लोगों ने पुणे बैठक की, आईडीसी बैठे, हमारे सतीश महाना जी हमारे जो औद्योगिक मंत्री हैं वो बैठे, मैं स्वयं उनके साथ था, और जब पुणे विचार करके हम दोबारा प्रस्ताव लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है विचार कर लिया। तो आप ये देखिए, मैं यूथ के साथ इस बात का खुलासा करना चाहता हूं कि 50,000 करोड़ के हमारे मन के साथ हम लोग गए थे और मात्र 3 दिन 72 घंटे के बाद जब हम दोबारा पहुंचते हैं तो हम उत्तर प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना लेकर के पहुंचते हैं। ये नेतृत्व का परिणाम है, ये दिशा देने का परिणाम है, और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि इन्वेस्टर मीट हुई तो आपको भी सुनकर के अच्छा लगेगा कि 5,00,000 करोड़ रुपए के MOU उत्तर प्रदेश की दोनों इन्वेस्टर मीट में साइन हुए और 5,00,000 करोड़ में से आज 3,00,000 करोड़ का निवेश जमीन पर उतर चुका है। 3,00,000 करोड़ का निवेश जब जमीन पर उतरा है, चाहे वो सैमसंग जैसी कंपनी हो जो छोड़ करके उत्तर प्रदेश को भाग रही थी, उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करना नहीं चाहता था, पिछले 5 साल में 5 साल की सरकार में पूरे 5 सालों में 55,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था और उत्तर प्रदेश की मात्र जो है 2 साल की सरकार उस समय तक थी, तो उन्होंने उस समय ही हम लोगों ने 3,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतार दिया था। ये आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा और नौजवानों की जो शक्ति का संचय है उत्तर प्रदेश की, उसका परिणाम है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि वो निवेश केवल और केवल उसके फोकस में सबसे ज्यादा कोई है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान है, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर है। और जब हम लोगों ने उद्योग की नीति बनाई थी तो उस समय भी आदरणीय योगी जी ने कहा था कि कितना बड़ा कारखाना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, वो 500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा कि 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, इस मानक के साथ साथ ये भी मानक तय करिए कि वो कितने रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है।
जब इंसेंटिव हम देंगे तो इंसेंटिव में रोजगार के अवसर जो पैदा करने वाला उद्योग है, वो जितने रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है उस रोजगार के अवसर पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दिशा उस समय उन्होंने दी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नौजवानों के लिए बहुत चिंता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के चल रहे हैं। अब आगे उत्तर प्रदेश लेकर के चलना है, उद्योग को लेकर के चलना है, एक लंबा एक माहौल बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, अवस्थापना की सुविधाओं को डेवलप करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मित्रों यदि कोई है तो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे हैं। आप देखिए पूरे, आप अध्ययनशील हैं, पूरे देश को पढ़िए, पूरी दुनिया को पढ़िए, इतने कम समय में आदरणीय योगी जी ने फैसला किया हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाएंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी कितना, 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। मैं पूर्वांचल के दौरे पर जाता हूं, जब वहां के नौजवानों की ऊर्जा देखता हूं, वहां के नौजवान का जब मैं कैलिवर देखता हूं, वहां के नौजवान की मैं डिग्री देखता हूं, वहां के नौजवान की एजुकेशन देखता हूं, तो मुझे लगता है कि यदि इसको रोजगार के साथ जोड़ दिया जाए, यदि इसको उद्योग के साथ जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से धरती से सोना पैदा करने की हिम्मत और क्षमता इसके अंदर है। तो आदरणीय योगी जी ने उसे ही केंद्रित करते हुए और 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ कर दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेस बनकर के तैयार हो जाएगा, जो लाखों रोजगार के अवसर भी लेकर के आएगा और हमारे नौजवानों की ऊर्जा का इस्तेमाल भी उन रोजगार के अवसरों पर उसके साथ हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। मैं भी बुंदेलखंड की चर्चा कर रहा था तो बुंदेलखंड की फैली हुई जमीन, कभी किसी ने विचार नहीं किया बहादुर धरती, वीरों की धरती बुंदेलखंड, के बुंदेलखंड को ऊर्जा के साथ जोड़ देंगे, बुंदेलखंड को रोजगार के साथ जोड़ देंगे तो बुंदेलखंड का विकास हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सोच को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं बुंदेलखंड को हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाएंगे, बुंदेलखंड के बीच से जाएगा आसपास, चाहे डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हम उद्योग लेकर के आएंगे तो वहां के गांव के नौजवान निकल करके वहां रोजगार के अवसर तलाशेंगे, आएंगे तो पूरे बुंदेलखंड का विकास होगा। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 297 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और बहुत शीघ्र ही हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा कर लेंगे। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, लगभग 750 किलोमीटर लंबा, जो पश्चिम से लेकर के और पूरब को जोड़ेगा, मानो मेरठ से लेकर के प्रयागराज को जोड़ेगा, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा मैया जहां मोक्षदायिनी है वहीं गंगा मैया अर्थदायिनी भी है। मैं देखता हूं कि अभी गंगा यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकली तो मुझे भी एक क्षेत्र के संयोजक के रूप में काम करने का अवसर मिला, वहां के किसानों से बातचीत हुई। तो एक किसान ने बिजनौर में जब बोला तो मुझे लगा कि उसने जब वाक्य बोला उसने कहा कि वर्षों से इंतजार था कोई भगीरथ आएगा, गंगा तो आई है पर गंगा किनारे के जो गांव हैं जहां अधिकांश गांव में पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं कि उन गांव में कोई विकास लेकर के आएगा, कभी ऐसी रचना बनेगी, कभी ऐसी योजना बनेगी, हमने सोचा नहीं था। और आपने गंगा यात्रा के माध्यम से योजना बनाई है और गंगा किनारे के जितने भी गाँव हैं उन सारे गाँव को हम लोगों ने कहा गंगा नर्सरी के साथ जोड़ेंगे, वहां किसान को फ्री हम पेड़ उपलब्ध कराएंगे, नर्सरी उपलब्ध कराएंगे और तमाम प्रकार का उसके साथ उसकी फसलों का 5 साल का अनुबंध करेंगे। तो आसपास के गंगा किनारे के जितने भी गांव हैं उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। और इसलिए मैं कह सकता हूं गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाएगा। तो आप देखिए मेरठ से निकल करके एटा, इटावा, मैनपुरी निकलता हुआ और सीधे लखनऊ को जोड़ता हुआ प्रयागराज तक जाएगा 750 किलोमीटर। तो एक शानदार विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश के अंदर बनेंगे, ये चित्र भी मैं नौजवानों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मित्रों मुझे याद है जब बिजली की बात उत्तर प्रदेश में आती थी तो लगता था कि बिजली आई है तो एक खबर बनती थी कि आज बिजली रही है, 6 घंटे मुश्किल से बिजली रहती थी। जहां अंधेरा शुरू हो जाए समझो उत्तर प्रदेश है, जहां अंधेरा आ जाए समझो उत्तर प्रदेश आ गया है। हम यदि फ्लाई भी करते थे कहीं अंधेरा दिखाई दे तो लगा समझो कि उत्तर प्रदेश है। मैं बधाई दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने कहा कि जितने भी गांव देश के ऐसे हैं जो आजादी के बाद आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची, उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा उन गांव का विद्युतीकरण होना चाहिए और उनके नेतृत्व में तमाम गांव का विद्युतीकरण हुआ। साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में शानदार काम करने की आवश्यकता है। और इसमें कोई, मैं मन की बात आपसे कर रहा हूं, आप लोग भी इस बात के निश्चित रूप से
समर्थक होंगे कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील पर 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली आ रही है। हमें लगता ही नहीं है ये वही उत्तर प्रदेश है। मैं तो चूंकि पश्चिम का रहने वाला हूं और मैं वहां कई बार गांव में ऊपर मुझे सोने का अवसर मिलता था तो रात को एकदम हल्ला करता था, आई तो पता लगता था क्या आई, तो बिजली आई, तो दौड़ करके लोग अपने ऊपर से नीचे दौड़ते थे और नीचे जैसे ही दौड़ते थे खाट पे जाकर के चारपाई पर लेटते थे तभी एक दूसरी आवाज आती थी गई, फिर दौड़ करके ऊपर जाते थे। दो तीन बार ये क्रम होता था तो आखिर में तो जो थोड़े बुजुर्ग वाले लोग होते थे वो मच्छरदानी लगा करके बोलते थे अब आए चाहे जाए हम पर फर्क नहीं पड़ता, हम तो नीचे ही सोने वाले हैं, हमने मच्छरदानी लगा ली है। मानो कुल मिलाकर के अनिश्चितता का माहौल था। आदरणीय योगी जी ने कहा नहीं, ट्रांसफार्मर फूके जाते थे महीनों महीनों। आप में से अधिकांश लोग भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या आपके पास कितना भी आपने ज्ञान का संचय किया हो, पर मैं हम में से अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि गांव की है। आप ईमानदारी से बताओ कि गांव में जब ट्रांसफार्मर फूक जाता तो एक एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं आता था, महीनों महीनों बस्ती में अंधेरा रहता था, या तो किसी नेताजी को पकड़ते थे, विधायक जी के पास जाते थे, सांसद जी के पास जाते थे, या उस मोहल्ले के नौजवान चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लाते थे। मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फूकता है तो 48 घंटे के अंदर और शहरी क्षेत्र में फूकता है तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर अवेलेबल होगा, और उसी का परिणाम है कि आज बिजली की अनावृत सप्लाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जो विकास के लिए बहुत ही बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। मित्रों, मैं चूंकि गन्ना मंत्री हूं, अभी सत्येन जी ने कहा कि गन्ना किसानों का विषय भी आपने कहा, बस छोटी सी झलक एक दिखाना चाहता हूं। 5 साल की जो पिछली सरकार थी, 5 साल की पिछली सरकार ने 5 सालों में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था 5 साल के अंदर। यानी कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 5 साल के अंदर सभी शुगर मिलों के द्वारा 95,000 करोड़ का भुगतान किया गया था। और अभी 4 ही दिन पहले हमने 21 तारीख को एक कार्यक्रम किया है और मुझे बताते प्रसन्नता है कि आदरणीय योगी जी के कर्तृत्व के कारण, उनके निर्देशन के कारण हमने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 3 साल के अंदर 1,00,000 करोड़ का भुगतान कर दिया है। मानो 5 साल में 95,000 करोड़ और 1 साल में 3 साल में 1,00,000 करोड़, तो ये भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा देने वाली बात है। और जब परिवार में कहीं ना कहीं परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, गांव मजबूत होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो नौजवानों को भी उसको कहीं ना कहीं उसके साथ ऊर्जा मिलने का काम होगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, खेती, मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था उत्तम खेती, लेकिन परिस्थितियां बदलती गई, हालात बदलते गए, लेकिन मैं बधाई दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने कहा MSP का 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। और मुझे याद है हमारी पहली ही कैबिनेट का फैसला हुआ था, जो सामान्य फैसला नहीं था, पहली कैबिनेट में फैसला हुआ था कि 86 लाख किसान जिन्होंने 1,00,000 रुपए तक का कर्ज लिया हुआ है, ऐसे 86 लाख किसानों का 38,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जो आज तक आजादी के इतिहास के बाद का सबसे बड़ा ऋण मोचन का कार्यक्रम है। और उसे कर्ज माफी नहीं, ऋण मोचन का कार्यक्रम दिया था, चूंकि किसानों का अधिकार है, किसानों के सम्मान को, किसानों के स्वाभिमान को बरकरार रखना है, ये काम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मित्रों किया गया था। मित्रों, मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको लगेगा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था। 1977 में सिंचाई की जिस योजना का शिलान्यास किया गया था, वो योजना 2017 तक पूरी नहीं हुई थी, 30% पूरी हुई थी 2017 तक, चाहे अर्जुन सहायक हो, चाहे बाण गंगा हो। ये देखो 2017 कहां और 1977 कहां। लेकिन मैं योगी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने तमाम योजनाओं को सिंचाई की पूरा करने का काम किया। और ये भी मैं सूचना आपको देना चाहता हूं कि 2,86,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। आपके अंदर ऊर्जा है, अभी हमने देखा कि किस तरह बॉर्डर पर हमारे जवानों ने पूरे देश के सीने को गर्व के साथ चौड़ा किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी जाबाज एक शहादत देकर के पूरे देश को, पूरे देश के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, और उन जवानों की जब शहादत याद आती है
कि खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा अपने तन के वास्ते। अरे यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, पर मौत वो है जो आए वतन के वास्ते। ऐसे उन नौजवानों ने शानदार, मैं कह सकता हूं हम सब लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की, ऐसे भी लोग इस देश के अंदर हैं जिन्होंने, जब संसद में बहस हो रही थी तो मुझे याद है वो काल 1960 का दशक, जो संसद की बहस में कहा था कि बंजर भूमि है, इस बंजर भूमि की क्या आवश्यकता है, वहां कुछ पैदा नहीं होता। और इसी देश के एक सांसद महावीर त्यागी जी ने अपनी टोपी उतार करके संसद के अंदर कहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे मेरे सर पर कोई बाल नहीं है तो ये भी बंजर है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसद के अंदर एक सांसद ने बोला था, इस प्रकार का चित्र देश के अंदर होता था। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक एक इंच जमीन भारत की सुरक्षित है। ये भी कहीं ना कहीं नौजवानों की देन है, क्योंकि नौजवानों ने नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, और नौजवानों की ऊर्जा के आधार पर मोदी सरकार आई। और नौजवानों का नारा यही नहीं रहा, सात समंदर पार चल करके अमेरिका में जब चुनाव हुआ तो वहां भी नारा लगा अब की बार ट्रंप सरकार। मन आपके नारे को अमेरिका ने भी चुराने का काम किया था, आपके नारे को, भारत के नारे को अमेरिका के अंदर लगाने का काम किया था। ये उत्तर प्रदेश के और देश के नौजवानों की ऊर्जा है कि जिस तरफ चलते हैं, जिधर आप निकलते हैं, तलवारों की नोकों पर मोजों की रवानी चलती है, उस ओर जवाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आपकी जवानी जिधर चलती है, आपकी ऊर्जा जिधर चलती है, आपका अध्ययन जिधर चलता है, उधर ही निश्चित रूप से विकास के रास्ते चलते हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपने लगातार ऊर्जा लगा कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस प्रदेश की आज जो तरक्की है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे कौशल विकास के माध्यम से, अभी मैं 4 ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी के पास बैठा हुआ था, हमारे गाँव में नौजवान ITI करते हैं, ITI के बाद आते थे कि अप्रेंटिस करा दो, अप्रेंटिस हो जाएगी तो 5-7 हजार रुपए का रोजगार मिल जाएगा। मैं बधाई दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि नहीं, एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल के माध्यम से कहा कि रजिस्ट्रेशन आप करिए और एक रजिस्ट्रेशन ITI में कराइए, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू हम लेंगे और सीधे किसी ना किसी फैक्ट्री में आपको भेज देंगे, 8-10 हजार रुपए की व्यवस्था मासिक की हो जाएगी। साथ ही आपको जो उस समय की अप्रेंटिस का समय होगा, एक डिग्री दे करके भेजेंगे उसकी, जिससे आने वाले समय में रोजगार के लिए वो डिग्री कहीं ना कहीं सहायक होगी। कहीं हमें यदि बैंक में लोनिंग के अवसर प्राप्त करने होंगे तो उसके लिए भी सहायक होगी। ये सोच की बात है, ये विचार की बात है, छोटी छोटी बातों से। उत्तर प्रदेश पहले भी यही था, आजादी के बाद 70 साल में उत्तर प्रदेश में मित्रों मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, मात्र 12 मेडिकल कॉलेज, और 3 साल की योगी सरकार में 30 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। 700 से ज्यादा मेडिकल की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है, 700 MBBS की सीटें। कहने में आसान लगता है, यदि 50 सीटें MBBS की बढ़ानी हो तो बहुत बड़े ढांचे को तैयार करना पड़ता है, और 700 सीटें 3 साल के अंदर बढ़ाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे हमने रायबरेली में बहुत सारे, मैं नेताओं की चर्चा नहीं करना चाहता, यूथ पावर हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं राजनीतिक विषय भी नहीं रखना चाहता, लेकिन रायबरेली के अंदर जो लोग रायबरेली के आधार पर लंबे समय तक खानदान राजनीति करता रहा, रायबरेली के एम्स को चलाने का काम किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया, केंद्र की मोदी सरकार ने किया। गोरखपुर में एम्स को चलाने का काम किया, वहां मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया है, वहां कॉलेज में हमारे छात्रों को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि गन्ना मंत्री हूं, पूर्वांचल में मैंने देखा 1933 से लेकर के शुगर मिलें लगी हुई थी, पुरानी सरकारों ने सारी शुगर मिलों को बंद कर दिया था, 7 से 12 तक 19 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बेची गई, 12 से लेकर के 17 तक 10 चीनी मिलें बंद की गई, 29 चीनी मिलें 10 साल में बंद हुई। मैं नौजवानों से शेयर करना चाहता हूं कि पूर्वांचल में गोरखपुर में पिपराइस की मिल को 500 करोड़ की लागत से योगी जी ने बना करके चला दिया, 500 करोड़ की लागत से आपके मुडेरवा बस्ती की मिल को चला दिया, लाखों पूर्वांचल के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर तय किए, और 1.5 साल के अंदर ने शुगर मिल का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी किया। और मैं आपके माध्यम से यह भी सूचना देना चाहता हूं और नौजवानों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तर भारत की सबसे आधुनिक चीनी मिल, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, उत्तर भारत की सबसे आधुनिक चीनी मिल जो गन्ने के जूस से सीधा एथेनॉल बनाएगी, वो योगी जी के नेतृत्व में पूर्वांचल में पिपराइच में हम शुरू करने वाले हैं। 120 किलोलीटर की हम वहां डिस्टिलरी लगाने वाले हैं, जिससे पूर्वांचल के नौजवानों के लिए नई रोजगार के अवसर आएंगे। पश्चिम हो, पश्चिम में रवाला में नई मिल लगा दी, मोहिद्दीनपुर को डबल कर दिया, 10-10 साल से बुलंदशहर की, बिजनौर की, सहारनपुर की मिल बंद थी, उन लोगों को, उन मिलों को हमने चलाने का काम किया। और आज मैं कह सकता हूं
2018 में प्रधानमंत्री जी ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, आप लोग पढ़ते हैं आपको याद होगा, बायोफ्यूल पॉलिसी। और उन्होंने कहा था कि 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम पेट्रोलियम पदार्थों में करेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे नीचे था और आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आज देश का पहला राज्य है। दूध के उत्पादन में आप पहले नंबर पर हो, एथेनॉल के उत्पादन में आप पहले नंबर पर हो, चीनी के उत्पादन में आप पहले नंबर पर हो, सौभाग्य योजना में पहले नंबर पर हो, उज्ज्वला में आप पहले नंबर पर हो, इन्वेस्ट करने में आज पहले नंबर पर हो, कुल मिलाकर के एक्सप्रेसवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आप आज पहले नंबर पर हो, एक्सप्रेसवे में आज आप पहले नंबर पर हो। क्या हो गया? ये वही उत्तर प्रदेश है, मात्र 3 सालों के अंदर कैसा परिवर्तन? ये 3 सालों के अंदर परिवर्तन है तो आदरणीय मोदी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व के साथ साथ नौजवानों की ऊर्जा का परिवर्तन है। ये नौजवान जिधर चलता है, जिधर ताकत देता है, ये राष्ट्रभक्त नौजवान जब चला तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आपके द्वारा आई और मैं कह सकता हूं आपके ताकत के आधार पर बनी हुई सरकार आज बेहतर एक मार्ग प्रशस्त करने का काम उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए कर रही है, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मात्र 3 साल के अंदर 3 विश्वविद्यालय, हमने सहारनपुर को विश्वविद्यालय देने का काम किया, आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम किया, अलीगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम किया, अभी एक चिकित्सा विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं अटल जी के नाम पर लखनऊ के अंदर, चिकित्सा शिक्षा का। मात्र 3 साल के अंदर 4 विश्वविद्यालय, ये सोच उच्च शिक्षा की सोच उसी की हो सकती है जो नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहता हो, नौजवानों को ताकत देना चाहता हो। वरना लोग ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते थे कि जवानी में तो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पथ भ्रष्ट करना चाहते थे नौजवानों को। ये भगत सिंह के देश का युवा, ये चंद्रशेखर आजाद के देश का युवा, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया इसलिए कि मेरी भारत माता मुस्कुराए। और इस नौजवान के अंदर इतनी ऊर्जा है कि आज मैं यदि अमेरिका का अध्ययन करता हूं, अमेरिका के बारे में सोचता हूं, तो अमेरिका के चाहे मेडिकल क्षेत्र हो चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, सब पर यदि सबसे ज्यादा ऊर्जा है तो भारत के नौजवानों की है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बड़ी उसके अंदर हिस्सेदारी है। तो इस सारी ऊर्जा का संचय उत्तर प्रदेश के अंदर करके एक अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करके यहाँ के नौजवानों का सही से इस्तेमाल करके और उत्तर प्रदेश को बहुत मजबूती की दिशा में ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मित्रों होने वाला है। कोविड में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से बेहतरीन काम आपके सहयोग से किया है, एक लैब थी, 30 से ज्यादा लैबों में टेस्टिंग हो रही है, 1.5 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, 1500 से ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। और हर उत्तर प्रदेश वासी का सीना चौड़ा होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों से कई देशों को ऊर्जा मिलेगी, प्रदेशों को नहीं, कई देशों को ऊर्जा मिलेगी। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं बहुत बहुत बधाई सत्येंद्र जी को देना चाहता हूं कि एक शानदार मंच लोक नीति के माध्यम से एक तैयार हुआ है, उस पर डिबेट होगी, नए नए विचार आएंगे, नई नई दिशा आएंगी, नए नए विषयों पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। और चाहे चिकित्सा से संबंधित हो या अन्य विषयों से संबंधित हो, चाहे यहाँ के अवस्थापना की सुविधाओं से संबंधित हो, उन तमाम विषयों पर। हाँ मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस प्रदेश से हम जुड़े हुए हैं, जब उस प्रदेश की सड़कें अच्छी होती हैं, जब उस प्रदेश की बिजली अच्छी होती है, जब उस प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होती है, जब उस प्रदेश में अच्छे उद्योग लगते हैं, जब उस प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून का राज होता है, जब उस प्रदेश में खुलेआम गुंडई जो लोग करते थे सड़कों पर, जब ये कहा जाता था कि गुंडई करने वालों की संपत्ति से ही वसूला जाएगा, तोड़फोड़ करेंगे तो जरा सी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हीं से वसूला जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है यहाँ कानून का राज है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में संभावनाएं ढूंढ रही है। अभी टूरिज्म की बात सुधांशु जी ने की, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, तमाम प्रकार की संभावनाएं, चाहे बुद्ध सर्किट हो, चाहे हस्तिनापुर में पूरा महाभारत सर्किट हो, ये तमाम संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है। और आदरणीय योगी जी ने उस पर बेहतरीन काम करने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि 2 से 3 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर फंक्शन करते थे, 2 से 3 एयरपोर्ट मात्र, आज सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर के अंदर। 8 रनवे होंगे का पहला एयरपोर्ट होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं ये संभावना उत्तर प्रदेश में पहले किसी ने क्यों नहीं सोची। लाखों रोजगार के अवसर लेकर के जेवर का एयरपोर्ट आएगा। अभी भारत सरकार की मैं सराहना करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने कहा
कि हम पूरे तीर्थाटन के लिए पूरी दुनिया की व्यवस्था करने के लिए और विशेषकर बुद्धिस्ट के लिए हम कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे, कुशीनगर में बराबर में एयरपोर्ट, उसे थोड़ा आगे चलोगे तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट, थोड़ा और आगे आ जाओगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थोड़ा और आगे आ जाओगे तो आपको गोरखपुर में एयरपोर्ट, आपका लखनऊ में एयरपोर्ट, अलीगढ़ में एयरपोर्ट, आपका सहारनपुर में एयरपोर्ट। चाहे एयर स्ट्रिप के माध्यम से हम तमाम मंडलों को जोड़ना चाह रहे हैं, जितनी कमिश्नरी सबको एयर स्ट्रिप के माध्यम से, एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना चाह रहे हैं। ये काम, ये सोच, ये विचार आदरणीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, और जिस प्रकार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक मजबूती इस देश के अंदर पैदा की है, और मैंने तो पहली बार जीवन काल में देखा है कि कोई गृह मंत्री ऐसे बोलता हो कि 300 हम कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे। ये सामान्य वाक्य नहीं है। हम छोटे थे सुनते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन उस कश्मीर को हम सोचते थे केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, वर्षों से हम सोचते थे कब वो दिन आएगा, वो दिन आया। ये आपके कारण आया, आपकी ऊर्जा के कारण आया। चाहे भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनने का विषय हो, मैं माने सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहता हूँ, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, लाखों बहनों को आजादी मिलाने का काम आपकी ऊर्जा के कारण हुआ है। और मैं कह सकता हूँ, मैं नौजवान भाइयों से अपने युवा शक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे स्किल को डेवलप करने के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से देश के नौजवान को, और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की ओर जोड़ करके, मजबूती दे करके, चाहे उस शिक्षा संस्थानों को खोलने के माध्यम से हो, चाहे उनकी उस शिक्षा के माध्यम से, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे उद्योग जगत में व्यवस्था बनाने के माध्यम से, अनेक माध्यम से वो नौजवानों के लिए व्यवस्थाएं तलाश रहे हैं, अवसर पैदा कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ भारत का नौजवान, विशेषकर उत्तर प्रदेश का नौजवान ऐसा है कि अवसर मिलता है तो उसे चुनौती में, एकदम चुनौती को भी अवसर में बदलने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान करता है, और अवसर मिलेगा तो ये पंख लगा करके उड़ने का काम उत्तर प्रदेश का नौजवान करेगा। ये मुझे पूरा यकीन है, और यकीन नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश के नौजवान ने समय समय पर अपने आप को एक साबित करने का काम किया है। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, बहुत सारे विषय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन समय की प्रतिबद्धता है और अनुशासन बहुत जरूरी है, इसलिए चूंकि बहुत सारे विषय आने हैं मेरे मन में, तो आपके साथ घंटों बातचीत करने का था। चूंकि आप जैसे ऊर्जावान नौजवान, आपके जैसे स्किल वाले नौजवान, और एक बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने वाले नौजवान, जिनका इतना बड़ा संचार का माध्यम है, सोशल मीडिया का जिनका इतना बड़ा माध्यम है, उन तमाम नौजवानों के साथ जुड़ करके मैं बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता था। चूंकि आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का काम ऐसा नहीं है जो एक घंटे में बताया जा सके, 24 घंटे भी लगातार मैं बोलूं तो हो सकता है उनके काम को पूरे को मैं ना बता पाऊं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों पर चलने वाली, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से चलने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश को हम सब मिलकर के बनाएंगे, और एक असीम संभावनाएं उत्तर प्रदेश की जो है, उन तमाम असीम संभावनाओं का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं फिर आपका अभिनंदन करते हुए और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री सुरेश राणा जी, जो शुगर केन और इंडस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने उत्तर प्रदेश के द्वारा, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को काफी बड़े पैमाने पे बताया है हम युवाओं के बीच, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की तरफ किस तरह से बढ़ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो, चाहे वो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में हो, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में हो, इस तरीके से बहुत बहुआयामी रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी मंत्रीगण कैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं, इन सब पर प्रकाश डाला। मैं माननीय सभी जो हमारे युवा चिंतक हैं ज्वाइन किए टुडे आज, उनसे आग्रह करूंगा यदि कोई प्रश्न हो तो माननीय मंत्री जी से वो पूछ सकते हैं। साकेत जी, साकेत मिश्र जी। माननीय मंत्री महोदय नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। भाई साहब नमस्कार। और माननीय
सांसद महोदय ने भी बताया कि पिछले 30 साल में जब भाजपा सरकार नहीं थी तो हमारे नवयुवक जो थे वो काफी समय राजनीति में बिताते थे। तो मंत्री महोदय, पिछले 3 साल में जो एक नींव समझ लीजिए प्रगति की हो गई है, नए एक्सप्रेसवे बन गए हैं, बिजली मिल रही है जगह जगह पे, और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो गया है, उसके बाद अब नवयुवकों की समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उद्यमी बने, खुद शुरू करें, तो इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन, कुछ बिंदु पे आप अगर बताएंगे कि किस तरह से हमारा खुद व्यवसाय शुरू करें हमारे नवयुवक, केवल सरकार की या प्राइवेट सेक्टर की नौकरी ना करें बल्कि अपने खुद व्यवसाय कैसे शुरू करें, उस पर कुछ आप मार्गदर्शन करें तो आभारी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात साकेत जी आपने कही है और आप तो विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपनी जानकारी के आधार पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाक्य बोला था, मुझे अच्छे से याद है, कि नौजवान को नौकरी वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला नौजवान बनाना है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर दे सके। और मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जो पॉलिसी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त रूप से है या माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चाहे स्टार्टअप के माध्यम से तमाम प्रकार की योजनाएं दी गई हैं कि वो स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करके उसकी लोनिंग की व्यवस्था भी है कि वो बिना किसी वारंटी के और तमाम प्रकार की लोन की व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई है स्टार्टअप योजना के माध्यम से। तो अपना रोजगार यदि शुरू करना है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में परसों भी बहुत सारे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े और सीधा संवाद करके उन लोगों ने सीधे अपने क्या क्या हमें बैंक के द्वारा सुविधा मिली है, क्या क्या हमें आवश्यकताएं थी और क्या क्या हम सब लोगों ने प्राप्त करके अपने रोजगार को आगे बढ़ाया है, तो उन तमाम संभावनाओं के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि ये समय है स्वर्णिम काल है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तो नौजवानों के लिए बढ़ने का स्वर्णिम काल है। और मैं कह सकता हूँ इस समय उद्योग लगाना, उद्यमी बनना या एमएसएमई में जाना, ये अच्छा समय हमारे नौजवानों के पास है। तो आप स्किल के आधार पर जो जिसकी स्किल की जो महारत हो स्टार्टअप के माध्यम से उस तरफ जा सकते हैं। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया। माननीय मंत्री जी से मेरा एक सवाल, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर अमरिकेश कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में। रहने वाला मैं गोरखपुर से हूँ और शिक्षा दीक्षा हमारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। तो मेरे दो सवाल हैं माननीय मंत्री जी से। एक कि जब मैं अपने गांव में था और छोटा था तो देखता था कि गन्ने की खेतियाँ होती थी बहुत, और लोकल कोलू खुद हमारा अपना भी गाँव में था और हम लोग बड़े चाव से जो है गन्ने की पिराई रात रात दफ्तर करते थे। और मेरे सामने देखते ही देखते जो है पूर्वांचल से लगभग गन्ने की खेती कम हो गई है, लगभग बहुत कम हो गई है। तो इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी, अब पूर्वांचल में गन्ने के खेती के लिए, गन्ने के किसानी के लिए क्या रोडमैप देंगे आप? दूसरा, पूर्वांचल लगातार विकास के जो है दौड़ में पिछड़ता रहा है, तो एक जो बड़ा रोडमैप होगा उसमें खेती किसानी से लेकर के अलावा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, खास करके जो हमारा गोरखपुर का गीडा का क्षेत्र है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में एक सवाल मैं और ऐड करूँगा, गोरखपुर से बनारस तक के बीच बनने वाली जो ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, ये आज तक क्यों बिल्कुल डंप हो रहा है? माननीय मंत्री जी कृपया जो है इस सवाल पर। दो प्रश्न और ले लेते हैं मंत्री जी, उसके बाद क्लोज करेंगे। पवन चौरसिया जेएनयू से, पवन जी पवन जी आवाज आ रही है क्या आपको? पवन जी को आवाज नहीं आ रही लग रहा है। मोहित मिश्र है आईआईटी गुवाहाटी से। नमस्कार सत्येंद्र जी। नमस्कार माननीय मंत्री जी, श्री सुरेश सन्हा जी, आपको मेरी तरफ से नमस्कार पहले तो। और अभी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपकी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि COVID-19 महामारी के चलते हुए भी जिस तरीके का रिकॉर्ड शुगर उत्पादन उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की कि जिससे शुगर का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट ना हो। अफेक्ट होने की तो बात छोड़िए, वो पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज्यादा रहा। और
दूसरी जो बात है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो वो जनसंख्या के लिहाज से विश्व का पांचवा या छठवें दर्जे का एक राष्ट्र होगा। तो जिस तरीके से आपकी सरकार ने और माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोविड 19 महामारी को रोकने के लिए जो प्रयास किए वो वाकई बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लिए आपकी भरपूर प्रशंसा करता हूं। और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो शुगर उत्पादन बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ, इसकी जो तैयारियां हैं उसका कुछ आप डिटेल में मुझे वर्णन दें हम सभी लोगों को। दोनों प्रश्न लगभग सब एक तरीके के हैं, तो मानी मंत्री जी क्योंकि समय अभाव है थोड़ा, उनको भी अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना है, तो दो प्रश्नों का। मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है और उन्होंने जैसे पूछा था कि जब मैं छोटा था तो गांव में कोहलू हुआ करते थे, बहुत सारे कोहलू थे, तो मैं ये बहुत अच्छा सवाल है और इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और मैं ये आरोप तो नहीं लगाऊंगा चूंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार की अदूरदर्शिता या किसान विरोधी नीति के कारण एक फैसला किया गया और फैसला किया गया कि एक शुगर मिल से जो क्रेशर है उसकी दूरी 15 किलोमीटर होगी। और जब 15 किलोमीटर एयर डिस्टेंस तय की गई तो मतलब हुआ एयर डिस्टेंस 15 किलोमीटर है तो रोड डिस्टेंस 25 किलोमीटर से ज्यादा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे के सारे वो क्रेशर वहां से समाप्त हो गए चूंकि उनकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई। वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक रैकेट के द्वारा ये काम किया गया। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार आई, मैं गन्ना मंत्री बना तो हमने सबसे पहले यही फैसला किया कि बचपन में मैं भी बहुत बार कोल्हू पर गन्ना लेकर के गया था, तो फैसला किया कि जीवंत करेंगे। और उसकी अच्छी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि 25 साल बाद पहली बार हमने उत्तर प्रदेश में 116 नए क्रेशरों के लाइसेंस दिए हैं और हमने जो 15 किलोमीटर की दूरी है उस दूरी को घटा करके 7.5 किलोमीटर कर दिया। अब कोई बाधा नहीं है, कोई भी गांव का नौजवान क्रेशर लगा सकता है। और कोल्हू से हमने सारे टैक्स समाप्त कर दिए हैं, अब गुड़ पर उत्तर प्रदेश में कोई टैक्स नहीं है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश का गुड़ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी मैं मुजफ्फरनगर गया था, एक जिले में हमने कार्यक्रम किया, एक ही जिले में 112 तरह का गुड़ बन रहा था सत्येंद्र जी, 112 तरह का। और एक बहन थी बीटेक है, वो उसने कोल्हू गांव में लगाया और वो बोल रही थी कि सारे के सारे कोल्हू के गुड़ का एडवांस में मेरे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर है। तो इसलिए कोई भी अब सारे गुड़ पे टैक्स समाप्त है, हमने उसकी दूरी कम कर दी 15 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर कर दी, सारी बाधाएं समाप्त कर दी। ये दूरियों को कम करने वाली सरकार है, हम फासले कम करने वाली सरकार है, आम आदमी सरकार के बीच में फासला ज्यादा ना हो, इसलिए हमने वो दूरी कम की है और हमने लाइसेंस दिए हैं। और मैं बधाई देता हूं कि आपने अच्छा प्रश्न पूछा। और एक हमारे मित्र ने पूछा कि आपने कहा कि गोरखपुर से लेकर के बनारस तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे फोकस किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही उस पर काम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से उस चीज को फोकस किया है, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। हमारे साथी मोहित मिश्रा जी ने कहा कि कोविड 19 में बहुत अच्छा काम किया, तो इसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और योगी जी की जो प्रतिबद्धता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिता की अंत्येष्टि में भी जो व्यक्ति कोविड महामारी को लेकर के प्राथमिकता मानते हुए ना जाए, तो ये दुनिया में अद्वितीय उदाहरण है। और मुझे याद है जब मैं उनके पास गया शाम को, मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी भी कहती है कि देश पहले है, पार्टी बाद में है और उसके बाद में परिवार है। तो हमारा नंबर बहुत पीछे आता है, इसलिए देश पहले है। आज कोविड महामारी से देश लड़ रहा है और आदरणीय योगी जी ने वेंटिलेटर से लेकर के, मैं भी बता रहा था, 1400 से ज्यादा वेंटिलेटर और 1400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1.5 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था। कोई जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है, 75 जिले में, जिसमें कोविड का इलाज ना हो रहा हो। कोई दिन ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री का पिछले 3 महीने में जिसमें पर डे उन्होंने मीटिंग ना की हो, पर डे, संडे हो या मंडे हो या सैटरडे हो, हर दिन उन्होंने मीटिंग की है। मैं इसमें सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूंगा उनकी प्रतिबद्धता को, उनकी माइन्यूट स्टडी को, उनके अध्ययन को और एक एक बात को समझ करके लागू करने का, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोविड को कंट्रोल करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता का भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा, आप जैसे पढ़े लिखे नौजवानों का अभिवादन करना चाहूंगा कि जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मास्क लगाना है, बाहर निकलना है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर करना चाहता हूँ। चीनी के रिकॉर्ड उत्पादन की बात कही,
मैं जरूर सत्यन जी शेयर करना चाहता हूँ कि चीनी उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और दुनिया में नंबर दो पर है। ब्राजील के बाद अकेला उत्तर प्रदेश नंबर दो पर है। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया से हम आगे निकल गए, अकेला उत्तर प्रदेश। इस बार हमने 126 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है। किसानों के परिश्रम को, योगी जी के प्रबंधन को बधाई दूंगा। लॉकडाउन आया तो लगा सुगर मिलें बंद हो जाएंगी, क्योंकि सल्फर आती है हरियाणा से, लाइम आता है राजस्थान से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जब तक किसान का गन्ना मिलें बंद नहीं होंगी। और मैं आपको, मुझे प्रसन्नता बताते हुए कि 119 चीनी मिलें हमने चलाई और एक नया काम और हमने किया जो देश के लिए दिशा उत्तर प्रदेश से गई है। हमने मिलों से कहा कि सैनिटाइजर का रेट बहुत बढ़ गया है, इसलिए सैनिटाइजर आप बनाइए। और मुझे खुशी है बताते हुए कि उत्तर प्रदेश की सुगर मिलों का बनाया हुआ सैनिटाइजर देश के 22 राज्यों में गया है और विदेश में भी गया है। और सैनिटाइजर के रेट को यहां से यहां लाने का काम उत्तर प्रदेश की सुगर मिलों ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया है। आज देश के कुल चीनी उत्पादन का 47% चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। हमेशा महाराष्ट्र टॉप पर रहता था, लेकिन आप जैसे नौजवानों की बदौलत, आपकी स्किल की बदौलत और हमारे सत्यन भाई जैसे लोगों की बदौलत जो अच्छा फोरम उपलब्ध करा करके और एक अच्छी बहस करा रहे हैं, अच्छे स्वस्थ डिबेट करा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उनकी शानदार कार्यशैली के कारण आज हम नंबर वन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। 126 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन सामान्य बात नहीं है। हमने कोविड के बावजूद भी पिछले साल के मुकाबले 10 करोड़ कुंटल गन्ना किसानों का अधिक पिराई किया है, 10 करोड़ कुंटल। सत्यन जी जितना भी एनसीआर का किसान है वो अपना कुछ गन्ना रखता था, किसके लिए? रस बनाता था, दिल्ली में जाकर के रस बनाता था, गाजियाबाद में जाकर के। लेकिन चूंकि कोविड आया तो उसके रस की ठेली नहीं लगी, तो गन्ने को लेकर के कहां जाए। तो हमने कहा आखिरी दिन तक मिल चलाएंगे और हमने 20 जून तक मिल चलाई, विश्व का रिकॉर्ड है। और हमने 20 जून तक मिल चलाई और हमने 10 करोड़ कुंटल गन्ने की अधिक पिराई करी कोविड के बावजूद भी। ये योगी जी के अलावा कोई और करते संभव नहीं है, ये मोदी जी की प्रेरणा के अलावा संभव नहीं है। मैं मोदी जी का, योगी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने किसानों को अपने एजेंडे में रखा, नौजवानों को अपने एजेंडे में रखा और आप सबने मुझे इतना समय दिया और मैं आपसे बात कर पाया। और एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज तो मैं इस फोरम के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं, मेरे लायक जो भी आदेश, जो भी सुझाव, जो भी अच्छी बात, जो प्रदेश के हित की बात आपको लगी हो, बढ़ाने की लगती हो, आप कभी भी जिस समय भी चाहे मैं उपलब्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कुछ प्रश्न और भी हैं, और भी हैंड रेज हैं, बट समय की का अभाव बहुत ज्यादा है। माननीय मंत्री जी को एक कार्यक्रम के लिए जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मित्रों, हम द्वितीय सत्र के लिए आगे बढ़ेंगे। द्वितीय सत्र में हमारे साथ एक यंग अचीवर हैं, यंग यूपी यंग थिंकर्स फोरम का जो की मूल भावना है वो यह है कि हम किस तरीके से जो युवा जो बहुत अच्छा कर रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनसे भी सीख लेते हुए आगे कैसे बढ़ें, एक नई दिशा कैसे प्रशस्त करें, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आज आनंद प्रकाश तिवारी जी, इंडियन पुलिस सर्विसेज 2004 बैच के आईपीएस हैं, आसाम काडर के आईपीएस हैं। आसाम में जो मूवमेंट चला, एक उल्फा का मूवमेंट चला, उसको काफी तक कर्व करने में आनंद प्रकाश तिवारी जी का योगदान रहा है। अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत नाम आपको दिखेगा किस तरीके से गुवाहाटी और अन्य क्षेत्रों में इन्होंने उल्फा को खत्म किया। वर्तमान में आनंद प्रकाश जी मैनेजिंग डायरेक्टर MD आसाम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और स्किल डेवलपमेंट हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश से हुई और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज में आसाम में कार्यरत हैं। वर्तमान में MD ट्रांसपोर्ट और MD स्किल डेवलपमेंट हैं। मैं आनंद भाई से चाहूंगा कि आप अपना, आपकी जो यात्रा रही है अब तक की, कृपया वो युवाओं के साथ साझा करें, जिससे इनके द्वारा भी कैसे ये आगे अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, इस प्रदेश के में योगदान कैसे दे सकते हैं, इस पे विचार हो सके। आनंद जी। धन्यवाद सत्येंद्र भाई, और लोक नीति के इस मंच पे इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए और इस मंच को बनाने के लिए, नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए
लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास आपने और आपकी पूरी टीम ने किया है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको बधाई और साधुवाद देता हूँ। विषय उत्तर प्रदेश, मैं सुन रहा था, मैं माननीय मंत्री सुरेश राणा जी को सुना, मैंने विद्वान सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, कुछ प्रश्न आए उन प्रश्नों को भी सुन रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में हमारे बड़े भाई साकेत मिश्रा जी भी आए और अभी शायद हैं, मुझे लगता है हमसे कनेक्टेड हैं, उनको भी सुन रहा था। ये हमारे लिए बड़ा प्रासंगिक समीचीन विषय है कि हम उत्तर प्रदेश के विकास, युवा के मनोभाव, युवाओं के विकास और जो युवा शक्ति है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश और समग्र भारत के विकास की चर्चा करें। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के एक अपेक्षाकृत पिछड़े जिले देवरिया का रहने वाला हूँ और मैं ग्रामीण परिवेश से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके गांव के विद्यालय से निकलते हुए देवरिया के बीआरडी इंटरमीडिएट कॉलेज से निकलता हुआ प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके और 2004 में भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन करके मैंने यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। इस पूरे यात्रा में जो चीजें जो मैंने अनुभव की, मैं इस प्रसंग को चूंकि संक्षिप्त में हमें रखना है इसलिए मैं उन बिंदुओं पर जाऊंगा जो हमारे युवाओं को अक्सर उन्हें अपने जीवन में देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि ये बिंदु ही प्रासंगिक और यही समीचीन है। मैं उस छोटे से पिछड़े अंचल का हूँ जहाँ पे अगर कभी हम सिविल सेवा की बात सोच भी लेते थे तो लोग कहते थे कि सिविल सेवा में जाने वाले लोग अलग तरह के होते हैं, वो सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए नहीं होते, वो हिंदी माध्यम के पढ़े हुए नहीं होते और साथ में ही वो हमारे इस परिवेश से निकले हुए नहीं होते। मित्रों, मैं सरकारी विद्यालय से, हिंदी माध्यम से और उस परिवेश से जो अत्यंत ही ग्रामीण परिवेश, वहां से पढ़ते हुए मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चीजों को जोड़ते हुए मैंने यहां तक की यात्रा की। कई बार ऐसा सुनने को मिलता रहा कि सिविल सेवक होने के लिए अच्छे स्कूलों में पढ़ना जरूरी है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना जरूरी है, आप अलग तरीके के दिखने होंगे, इंटरव्यू में आपको अलग तरीके की सिचुएशंस और अलग तरीके का माहौल मिलेगा। मित्रों, मैं इस बात को यहाँ पे विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हम जैसे लोगों के लिए, हालांकि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उस समय लोक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जाऊं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से, हिंदी माध्यम से इस तरह के छात्रों के लिए बड़ा सहज और अनुकूल माहौल मुझे दिखता है। मित्रों, जब भी हम अपने जीवन में किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो तमाम सवाल आते हैं हमारे सामने, ये हमसे हो पाएगा, ये हम कर पाएंगे, इसकी चुनौतियां क्या, हम इसके योग्य हैं कि इन चुनौतियों को हम हाथ में लेकर के इसे पूरा कर पाएंगे। इन सारे सवालों के बीच जब युवा अपने कदमों को बढ़ाता है, इन सारे विषयों के बीच जब युवा आगे बढ़ता है तो उसके मन का विश्वास, उसका गहरा विश्वास, दृढ़ संकल्प, शिद्दत से मेहनत करने की उसकी इच्छा और अपने इरादों पे, अपने विश्वासों पे, अपने विचारों पे खड़े रहने का उसका प्रयास, मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का उसका इरादा उसे मंजिल दे देता है। और मैंने जीवन के हर उस क्षण में, मैंने जीवन के हर उस पल में, मैंने हर उस मोड़ पे जहां पे मुझे लगा कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, जहां मुझे लगा कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना होगा, उन समयों में, उन परिस्थितियों में मैंने पाया
कि आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर का धैर्य, आपके अंदर का धीरज, आपके अंदर की संकल्प शक्ति, आपकी अपनी ऊर्जा आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल करके आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां जाने के लिए आप प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध थे। चर्चा चल रही थी, सुधांशु जी ने एक बड़ा बढ़िया विषय उठाया था थोड़े समय के लिए, कि कैसा युवा, क्या केवल ऊर्जा या ऊर्जा के साथ आध्यात्म। मुझे आज भी याद है एक निबंध, वो निबंध मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आपसे उसको साझा करना चाहूंगा। यदि यौवन जानता और बुढ़ापा सक्षम। मैंने जब पहली बार इस निबंध को देखा तो मैं सोचता रहा कि यदि यौवन जानता और बुढ़ापा सक्षम होता। जानने और सक्षम होने दोनों को अगर हम एकाकार कर दे तो मुझे लगता है कि हमारा सही समर्थ युवा हमें मिल जाएगा और हमें उस समर्थ, हमें उस सामर्थ्यवान युवा की तलाश है जिसमें ज्ञान भी हो और जिसमें विश्वास भी हो, जिसमें ऊर्जा भी हो और जिसके मन में दृढ़ता भी हो, जिसके मन में वो भाव हो जो किसी भी चुनौतियों को पार कर सके। मित्रों, जीवन में जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि चाहे वो अलगाववाद की समस्या रही हो, अलगाववाद के आयाम, अलगाववाद की चुनौतियां, अलगाववाद से जूझने, अलगाववाद से लड़ने के समय में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और एक राष्ट्र के सपने को मन में सजोए हुए उसे स्थापित करने की जिजीविषा और प्रयास रहा हो, या बाद में व्यवस्था परिवर्तन का विचार रहा हो, या चीजों को शिद्दत से जोड़ने और बनाने का विचार रहा, सिर्फ दो चीजें आपको अलग कर देती है। एक आपके मन का संकल्प और दूसरा आपके अंदर का वो व्यक्तित्व जिसमें सकारात्मकता का भाव भरा हो। अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप में ऊर्जा है, अगर आप में विश्वास है तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उस अंचल से जब आसाम आया, यहां आने के बाद मित्रों एक अलग परिस्थिति, एक अलग भाषा, एक अलग समाज और नई चीजें, तमाम चीजें, आप यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हो गया। और इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया में अपने ही देश में नई चीजों को सीखते हुए, नई चुनौतियों से लड़ते हुए, नए झंझावातों से उभरते हुए, बट एक विश्वास, मन का एक विश्वास कि नहीं, हमें उस परिस्थिति तक जाना है जहां पे एकता का मूल मंत्र, जहां पे भारतीयता का मूल मंत्र, जहां पे अलगाववाद की जगह एकात्मवाद दिखाई दे और इस पूरी धारा में, इस पूरी प्रक्रिया में एक अंश के रूप में, एक छोटे से हिस्से के रूप में शिद्दत से हमें उस कर्तव्य को करना है। और हमने किया, हमने किया, हमारे जैसे बहुत लोगों ने किया, जवानों ने किया, तमाम अधिकारियों ने किया। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कैडर में अल्फा से लड़ते हुए कई अधिकारी मारे गए, कई ऐसे जवान रहे जो शहीद हुए, और यहाँ पे इस पूरी आतंकवाद की लड़ाई में, इंसर्जेंसी के फाइट में एक पीढ़ी ने अपने आप को निछावर कर दिया। ये सृजन का संग्राम था, सृजन के लिए संग्राम था, और सृजन के लिए इस संग्राम में युवा शक्ति हर रूप में, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे तमाम युवा देश के लिए अपने आप की आहुति, स्वयं की आहुति देते रहे। मित्रों, मुझे लगता है कि सत्येंद्र त्रिपाठी जी ने यंग अचीवर के रूप में मुझे बोलने का जो मौका दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने अचीव कर लिया। हाँ, मैंने कुछ माइलस्टोन्स जरूर अचीव कर लिए होंगे। पूरा गोल जीवन का अचीव कर लेना और उसके विषय में बोलना, मुझे लगता है ये छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे जब भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया, जब भी ऐसे सवाल आए
जब भी ऐसी परिस्थितियां आई कि जहां पे परिवर्तन की आवश्यकता है तो वहां पे एक और सवाल आया कि बड़े फैसले लेने की भी जरूरत होगी। मैं इस विषय पे इसलिए रहना चाहता हूं कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है, अपने फैसले लेने की प्रवृत्ति और फैसले नहीं लेने की प्रवृत्ति की वजह से। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, तो आपका अदम्य साहस, आपके अंदर का विश्वास उस निर्णय के साथ दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। हम जैसे सारे युवा जब किसी भी काम को करने जाते हैं, मैं कौशल विकास के बारे में बोलना चाहूंगा। यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने भी कौशल विकास की चर्चा की थी, सत्येंद्र भाई ने भी कौशल विकास की चर्चा की, और साकेत भाई ने भी कहा कि युवाओं को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। मैं कौशल विकास में चूंकि यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि बदलाव के लिए, युवाओं के विकास के लिए कौशल विकास बहुत ही जरूरी, अत्यंत जरूरी, और साथ में उद्यमिता निर्माण, नए नए उद्यमियों को आगे बढ़ाना, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग, उसे आगे बढ़ाना, और उसके लिए एक व्यवस्था का पूरी तरह से पुनर्गठन करना आवश्यक है। तो इस बदलाव के लिए नई सोच की आवश्यकता होगी, और जब आप नई सोच के साथ इस बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको मूलभूत चीजों से नई चीजों की तरफ यात्रा करते समय जो आवश्यकता है उस पर ध्यान दे करके आपको नए तरीके से उसे ढालना होगा। मित्रों, हमने यहाँ पे जो हमारे रोजगार केंद्र हैं, उन रोजगार केंद्रों को लेकर के, उन रोजगार केंद्रों को केंद्र में रख के जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी उपक्रम हैं, सबको एक साथ जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक अभिनव प्रयास किया। इस अभिनव प्रयास ने हमें एक नई गति दी। जो भी प्रयास आप कर रहे हो, वो प्रयास दोबारा डुप्लीकेसी उसकी नहीं हो रही है। और साथ में एक और चीज वहां पे दिखता है मित्रों, कि जिनको आप वहां पे ले आ रहे हो, वो एंड टू एंड रजिस्ट्रेशन से लेकर के रोजगार तक आपके सामने पूरी तरह से ऑनलाइन विवरण उपस्थित है। पहले मित्रों होता था कि आप जब भी कभी रोजगार केंद्रों में रजिस्टर करते थे, वो डेटा कभी अपडेट नहीं होता था। उस डेटा के अपडेट नहीं होने की वजह से एक बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक अभिनव प्रयास करते हुए हमने सबको इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया, जिससे रोजगार केंद्र, इंडस्ट्री, ITI, कौशल विकास केंद्र, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग के जो सेंटर्स हैं, और साथ में जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं और जो इस क्षेत्र में आइकॉन के रूप में उभरे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इंटीग्रेट करना, जिससे जरूरी चीजें एक धारा में, एक दिशा में चले। ये शुरुआती प्रयास, इसमें काफी लोगों ने इसमें विरोध भी किया। बहुत लोगों का कहना था कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, बहुतों का ये भी कहना था कि इन चीजों को अगर आप करने जाते हैं तो इसमें समस्याएं आएंगी। मित्रों, आपको एक फैसला लेना होता है, और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सरकारों ने, वर्तमान समय में हमारी सरकारों ने फैसला लेने का काम किया है, और हम लोगों ने वर्तमान समय में सही डिसीजंस के लिए सही चीजों को रखने का काम किया है। मैं नहीं कहता कि ये सब कुछ एक व्यक्ति के द्वारा संभव है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप मुद्दों को उठाते हैं, अगर आप मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, और अगर शिद्दत से उस विषय को आगे ले जाते हैं, तो उन विषयों पे काम करने में सारे लोग एक साथ आपकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। मैं ऐसे अपने कई अनुभवों को साझा कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि हमारी जो युवा हैं, वो इस बात को मानेंगे कि उनके अंदर का जो
आत्मविश्वास है वो सबसे बड़ी चीज है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देता है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और ये विश्वास आपको यूं ही नहीं आता, इस विश्वास के लिए मित्रों जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ही अपनी प्रवृत्तियों का संचय आवश्यक है, उतना ही अपने ऊपर नियंत्रण आवश्यक है, उतना ही मूल्यों के प्रति आपका केंद्रीकरण आवश्यक है, उतना ही आपका नैतिक विकास आवश्यक है, उतना ही आपका आध्यात्मिक विकास आवश्यक है। अगर समग्रता में हम देखेंगे तो आपको ये एक विश्वास के रूप में दिखाई देगा और यदि आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है तो आपका विश्वास भी विकसित होता हुआ दिखाई देगा। विश्वास के साथ अगर हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे कविता की चंद लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं, एक हिंदी कविता, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और ऐसा हमने देखा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें एपिडेमिक में जहां हम खड़े हैं, चूंकि मैं असम की कोविड 19 जो केंद्रीय कार्य समिति है, जो केंद्रीय टीम है, मैं उसका मेंबर भी हूं और मैं उसमें काम कर रहा हूं। वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, सरकार के सामने, हम सारे लोगों ने देखी है, उसमें हर दिन हर व्यक्ति ने सोचा है, गंभीर प्रयास किया है और मुझे लगता है कि शिद्दत से दिन रात प्रयास किया है। इसका सुपरिणाम है कि आज भारत में सिर्फ 5 लाख कोविड केस है, जो कि भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब कोविड 19 पूरी दुनिया में शुरू हुआ था तो ऐसा लगता था कि भारत जैसा देश जिसके पास 130 करोड़ की आबादी है, भारत जैसा देश जिसकी संरचना विकसित देशों की संरचना से अलग है, यहाँ पे अगर कोविड का संक्रमण होता है तो किस तरह की भयावह परिस्थिति हो सकती है, इसकी संकल्पना भी करना मुश्किल था। और आज इतने समय के बाद ये हम सब युवाओं का, ये हम सब जो हमारे नेतृत्व पे हैं, जो हमारे साथ हैं और जो हमें दिशा दे रहे हैं, इनका सामूहिक संकल्प और सामूहिक मेहनत है कि आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम कोविड 19 के इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने में लगभग सफल हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, ये बड़ी डायनेमिक परिस्थिति है और इस डायनेमिक परिस्थिति में हमें कुछ भी कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ऊर्जावान समाज के ऊर्जावान अंग के रूप में मैं इस बात को निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। मित्रों, सत्येंद्र जी ने हमें जब इनवाइट किया था तो उन्होंने कहा था कि युवा कैसे आगे बढ़ेगा इसकी बात की जाए, और चूंकि तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो समाज में अपनी मेहनत पे, अपनी लगन से एक मुकाम हासिल करते हुए दिखाई देते हैं, वो अगर युवाओं के बीच में आते हैं तो युवाओं को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं अपने आप को उस श्रेणी में और वैसा नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मेहनत की है और मैं अपने मेहनत से मैं यहां तक मित्रों पहुंचा हूं। ये एक समय का प्रवाह है और इस समय के प्रवाह में मित्रों मैंने जो कुछ भी मेरे सामने आया, जब भी मेरे सामने आया, जैसा भी मेरे सामने आया, मैंने पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी नैतिकता के साथ उसको करने का प्रयास किया। मुझे जीवन में विवेकानंद जी की कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां बड़ी प्रभावित करती हैं और मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं पंक्तियों पर प्रधानमंत्री जी की एक 30 मिनट की शॉर्ट फिल्म आप लोगों को देखने को भी मिली होगी, मैंने भी देखा था, चलो जीते हैं।
जीवन का एक मकसद होना चाहिए और एक युवा समाज के अभिन्न अंग के रूप में आपके बीच का एक सदस्य होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर हमारे अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, अगर हमें नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, अगर हम नहीं जानते कि हमें करना क्या है, तो मुझे लगता है कि ये पुनर्वलोकन के लिए आवश्यक अवस्था है और हमें सोचना चाहिए कि क्या इन चीजों के बिना हम आगे बढ़ पाएंगे या हम बढ़े। माननीय सुरेश राणा जी ने अपने वक्तव्य में युवा की बात और सुधांशु जी ने भी जब युवा की बात की थी तो कहा था कि उद्देश्यहीन युवा या उद्देश्य युक्त युवा, उन्होंने कहा था संकल्पहीन युवा या संकल्प युक्त युवा, उन्होंने कहा था आदर्श युक्त युवा या बिना आदर्श का युवा, उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि प्रेरणा से युक्त युवा, प्रेरणादायक युवा या ऐसा युवा जो प्रेरणा का विषय न हो। मित्रों, मैं बार बार अपने लोगों से जब भी बात करता हूं तो मैं एक चीज कहता हूं, एक बार अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने आप को सम्मान दे पाओगे। अगर आप स्वयं को सम्मान दे सकते हैं ईमानदारी से तो मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पर। अगर आप स्वयं को ईमानदारी पूर्वक सम्मान नहीं दे सकते तो विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके एक ऐसे युवा के रूप में अपने आप को विकसित करने की आवश्यकता है जो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकने वाला, कुछ कर गुजरने वाला युवा बने। मैं अक्सर मित्रों, कैप्टन राम सिंह ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, सत्येंद्र भाई जानते हैं, कई बार मैं फेसबुक पे भी उन पंक्तियों को लिख देता हूँ, INA की वो पंक्तियां हैं कैप्टन राम सिंह के, आज भी आप लोग भी सुनते होंगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इन पंक्तियों की गहराई में बार बार जाके उतर के डूब के ढूंढने पे जीवन का अर्थ मिलता है। जीवन का अर्थ मिलता है जब विवेकानंद जी के विचारों में डूब के हम देखते हैं कि ये जीवन हम जीते किस लिए है। मित्रों, समय का अनुशासन है और विषय आज का युवा है, विषय उत्तर प्रदेश है और विषय उत्तम प्रदेश से नया भारत है। मैं विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा अपने संकल्पों के साथ, अपने इरादों के साथ वो किसी भी मंजिल को छू सकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का युवा अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से, अपने आध्यात्म से और अपनी इच्छा शक्ति से बदलाव का एक कारक बन सकता है। मित्रों, हम चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे हम प्रशासन के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो या हम किसी भी क्षेत्र में हो, सामग्रिक विकास, सामग्रिक बदलाव सभी अंगों को जोड़ने के बाद ही होता है। मुझे अच्छा लगा कि हमारे इस फोरम में IIT विश्वविद्यालय टीचर, प्रोफेसर, छात्र, कई लोग मुझे दिख रहे हैं जो आज के भारत हैं, कल के भारत हैं। सत्येंद्र भाई, आपका ये प्रयास मुझे लगता है कि हम सबको, न सिर्फ आपको, न सिर्फ मेरे जो मित्र यहाँ देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, स्वयं मुझे भी ऊर्जा और प्रेरणा देगा कि हम आने वाले समय में और बेहतर काम कर सकें। और उत्तर प्रदेश यंग थिंकर्स मीट के इस प्लेटफॉर्म से आज मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि लोक नीति का जो आपने बीड़ा उठाया है, यह सर्वाधिक सार्थक स्वरूप में लोक नीति ही होगी और यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं वो निस्संदेह हृदय से इस बात पे विचार करेंगे कि हमें आने वाले समय में उत्तम प्रदेश के निर्माण के लिए, सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने अंदर से, अपने भीतर से किन चीजों को
बाहर करना है और स्वयं के भीतर किन चीजों को ले आना है जिससे हम देश के लिए एक एसेट बन सके और अपने इस राष्ट्र की सेवा कर सके। मैं अपने आप को अभी भी छात्र मानता हूं सत्येंद्र भाई, और यहाँ जो फोरम में विद्वान लोग हैं जो हमारे तमाम भाई जुड़े हुए हैं उनके सामने मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हूं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर एक छात्र पूर्वांचल के पिछड़े जिले देवरिया से हिंदी माध्यम के छोटे से गांव के स्कूल से अगर यात्रा करके यहां तक की यात्रा कर सकता है तो हर वो छात्र जो जहां भी जिस परिस्थिति में हो वो भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि एक दो प्रसंग मुझे यहां बताना आवश्यक होगा। सत्येंद्र भाई, हम लोग जिस भारत में रहते हैं, और मित्रों में यहां बताना चाहूंगा, मैं लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजियत भारी हो रही है। और एक ही चीज मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में देखी, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजियत भारी हो रही थी। मैं उस दौर को मित्रों मैंने अपने आंख से देखा, मैंने अनुभूत किया। कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने आंख से जो देखा है, मैंने जो जिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ जब मुझे लिख कर देना पड़ा मसूरी में, और मैं पहला छात्र था सत्येंद्र भाई, मैंने लिख के दिया कि मैं हिंदी में एग्जाम दूंगा। और ये 2004 में मसूरी में अपने ही देश के भीतर अंग्रेजी में मुझे पर्चा दिया गया और हिंदी में मैंने पेपर लिखा था। मित्रों, 2015-2016 तक, हालांकि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में हम लोगों ने देखी और तब से अनवरत हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 2015-16 तक भारत में किसी भी सरकारी मीटिंग में अंग्रेजी से इतर किसी भी भाषा का प्रयोग करने में लोग बुरे समझते थे। मित्रों, मैं एक आग्रह करूंगा, मैं युवा हैं, हम सारे युवा यहाँ हैं, एक आग्रह करूंगा, सम्मान के साथ और अभिमान के साथ और पूरी तरह से राष्ट्रीय पहचान के साथ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो ऐसी कोई भी जगह हो जहां पे सामने वाला आपके देश की भाषा को समझ सकता है, उससे देश की भाषा में बात करिए। और मित्रों, ये संकल्प मैंने स्वयं भी लिया और मैंने अपने तमाम अधिकारियों को लिया। हम युवा हैं, हमारी सोच बदलाव की सोच है, हम बदलाव के वाहक हैं और हम जो बात यहाँ कर रहे हैं वो बदलाव के लिए कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा उद्देश्य है बदलाव के लिए विमर्श, स्वयं का बदलाव, समाज में बदलाव, अलग अलग स्तरों पे बदलाव, राष्ट्र में राष्ट्रीयता का बोध हर व्यक्ति के अंदर हो और बड़े छोटे से सरल ढंग से मैं अगर कहना चाहूं तो आप एरोप्लेन में आप यात्रा आप सबने की है, अगर वहां पे आनंद भाई क्षमा जाऊंगा थोड़ा शॉर्ट करने, समय का अभाव हो रहा है क्योंकि इसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए जाना बस, है बस मैं इसी बात पे अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम जब कहीं ऐसी जगह पे होते हैं, मे आई हैव कॉफी कहने की जगह हम भारतीय, हमारे सामने जो एयर होस्टेस है उसने पहले ही बता दिया है कि हम अंग्रेजी, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषाओं का हमें ज्ञान है, उसके बावजूद हम किस भारत में रहते हैं मित्रों, कि हमें ये जानने के बावजूद भी हम अपनी बात अपनी भाषा में नहीं कह पाते, क्षेत्रीय भाषा में। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सत्येंद्र भाई, मैं अपने बातों को यहाँ पे विराम दूंगा, कि समस्या अंग्रेजी की नहीं है, अंग्रेजियत की है, ये भाषा का नहीं मैं मुद्दा उठा रहा हूं, मैं मुद्दा मनोभाव का उठा रहा हूं, मैं मुद्दा हीनता के भाव का उठा रहा हूं, अपने अंदर हीनता का भाव।
मित्रों, मैं इस यूथ फोरम में अपने आप को आपके साथ जोड़ करके, आपके साथ बात करके मुझे काफी अच्छी अनुभूति हो रही है, और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा सिर्फ एक छोटी सी एक पंक्ति के साथ, जहां चाह वहां राह। जो भी हम चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। सत्येंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अवसर देने के लिए। धन्यवाद आनंद भाई। आप आनंद प्रकाश तिवारी जी को सुन रहे थे। आनंद जी को दो बार प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका है, दो बार डीजीपी मेडल मिला हुआ है, और सीएम के द्वारा, चीफ मिनिस्टर आसाम द्वारा, एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। विभिन्न कार्यों को करते हुए वर्तमान में आसाम ट्रांसपोर्ट स्किल डेवलपमेंट और एनआरसी के बाद कैसे हो उसके भी सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। तो आनंद भाई को आप सुन रहे थे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। साथ में ही जो लोग प्रेजेंटेशन देने चाह रहे थे उनमें आशीष श्रीवास्तव जी हैं, अभिषेक प्रताप सिंह हैं और अनुराग शुक्ला हैं। यदि आप लोग उपलब्ध हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आशीष जी, आनंद भाई से कोई प्रश्न? मुझे लगता है कि संख्या थोड़ी सी कम हो रही है आनंद भाई। लोग शाम का वक्त है और बहुत लंबे सेशन चलते हैं तो थोड़े थोड़े थक जाते हैं, युवा हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला। सबा बहादुर जी हैं हमारे साथ। सबा बहादुर जी डेयरी बोर्ड में भी थे और कृषि के ऊपर काफी काम करते हैं। मूलतः पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली में रहते हैं। सबा जी, अपने आपको अनम्यूट करें जी। आनंद जी नमस्कार, और सुदेन जी आपको भी नमस्कार। आपने ये जो फोरम शुरू किया बहुत अच्छा लगा। आनंद जी ने एक बात भी कही बहुत अच्छी कि हमें हिंदी का प्रयोग अपने विभागों में और अपने कार्य में, अपने जीवन शैली में करना आवश्यक है, और ये अच्छी बात है क्योंकि आज के समय में जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है, मैंने जैसे अभी ग्राउंड लेवल पे जो देखा जाके, जितने भी सरकार ने अपने चर्चे बताए या सरकार ने अपनी स्कीमें दी, तो अत्यधिक जो अभी लगाव लोगों का बढ़ रहा है वो हिंदी के कारण ज्यादा हो रहा है। और हिंदी जो है, इससे पहले जो एक डेटा था कि बहुत से लोग कार्य को नहीं कर पाते थे, नहीं समझ पाते थे, क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ भी ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही गरीब तबका है जिसको जनरली हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं आनंद जी की सराहना करता हूँ, और क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर रहते हुए सारे अपनी जितनी परियोजनाएं थी सब हिंदी में किया, और कभी कभी मंत्रालय में झगड़े भी हो जाते थे हमसे इस बात को लेके, सचिवों से और मंत्रियों से भी। तो मैं समर्थन करता हूँ आनंद जी का, और बहुत अच्छा लगा उद्बोधन सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रामकृष्णा जी का प्रेजेंटेशन है। रामकृष्णा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो सर, मेरा नाम रामकृष्ण है और मैं विट्स पिलानी से ग्रेजुएट हूँ, और करेंटली आई एम वर्किंग इन टेस्को में काम कर रहा हूँ एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो मेरा एक कविताएं लिखने का बहुत बचपन से क्रम जारी रहा, तो उस बीच में मैंने इंडियन माइथोलॉजीज में बहुत हद तक रामायण को कुछ पढ़ने की कुछ चीजें, कुछ शब्दों के ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया, तो वो मैं आज आप सबके समक्ष लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं शुरू करूँगा गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी की उलट बासी एक बहुत फेमस टाइप ऑफ राइटिंग है हिंदी कविताओं में, जिसमें हम उल्टा बोलते हैं, सीधी सीधी उल्टी बात कहते हैं, जो सच है
वो उसके उल्टी बात है। जैसे हम कहते हैं कि जब वो मर गया तो उसने सबसे ज्यादा सांसें ली, तो ये उलटबाजी है, कविता का एक फॉर्म होता है। तो अब ओशो का एक इंटरव्यू था सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ, तो उसमें ओशो ने, ओशो से जब पूछा गया तो कि आप हिंदू धर्म के कौन, कितने ऐसे किनको चार सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म के प्रचारक और इम्पोर्टेंट लोगों में किस किन्हें स्थान देंगे, तो उसमें उन्होंने राम का, राम को स्थान नहीं दिया, जो बहुत जिसपे बहुत से सवाल पंत जी ने उनसे किए। और तो ओशो का एक बहुत सुंदर सा जवाब उभर के आता है कि धर्म से राम को अलग रखना बहुत जरूरी है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उन्हें धर्म से बहुत ज्यादा जोर दिया और कर्म से उतना ही दूर लेते चले गए। तो राम के बारे में वो ऐसा कहते हैं कि धर्म ये बताता है कि जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं और जिस प्रजा पर हम जीतते हैं, तो हमें वो प्रजा हमें मिलती है, उसके तरफ से हमें उपहार में कुछ मिलता है। और राम ठीक उसके विपरीत थे। राम ने रावण से लड़ाई की और पूरी की पूरी प्रजा वहां पर उन्हें दे दी। तो इसलिए राम धर्म से आगे की चीज है। युवाओं के बारे में अगर बात करें तो युवाओं में दो चीजें प्रधान होती है, एक कर्म होता है और एक चिंतन होता है। ऐसा नरेंद्र कोहली जी कहते हैं जब वो रामायण के बारे में कुछ लिखते हैं। तो चिंतन जब प्रधान बन जाता है तो हम कर्म से थोड़े दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारे पौराणिक व्यवस्थाओं में ऋषियों का स्थान था और राजाओं का स्थान। राजा कर्म करते थे और ऋषि चिंतन करते थे। तो वहां से एक गीत मैंने लिखा था माँ जानकी के ऊपर, दो शब्द हैं अहिल्या और सीता। अहिल्या शब्द का अर्थ है कि जिस पर, जिसे हल से जोता ना जा सके, और सीता शब्द का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जिसे हल से जोतने के बाद जिनका जन्म हुआ। सीतने, सीत शब्द से सीता की उत्पत्ति। तो मैंने एक गीत लिखा था, उसका कुछ मुक्तक है, वहां वो पढ़ता हूँ। और मैं इस गीत से ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं की महत्ता हमारे साहित्य में क्या रही है। राम जब सीता के स्वयंवर में गए थे तो सीता उस वक्त जनक के राज्य की मुख्यमंत्री थी और वहां रावण भी आया था। और अगर सीता के मुख्यमंत्री का कौशल उनके पास नहीं होता तो शायद रावण इतना शक्तिशाली था कि वो शिव धनुष भी उठा लेता। लेकिन किसी तरह से उसे बातों में उलझाकर और परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि राम जीते। तो एक गीत है जो मैं रखता हूँ और उसके बाद मैं विदा ले लूंगा यहाँ से कि राम को राम में सौंपती वो चली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, राम उधरे उन्हें सीती सीता गई, राम उधरे उन्हें सीती सीता गई, सीत सीता जो दी राम सारे हुए, सीत सीता जो दी राम सारे हुए। अब अगली पंक्ति से मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि साहित्य में लक्ष्मण रेखा की क्या महत्ता थी और हमने स्त्रियों को कितना स्वतंत्र दिखाया है। लांघ सीमाएं जब तक के वो ना गई, राम तब तक थे रावण से हारे हुए, राम तब तक थे रावण से हारे हुए, राम के धाम की बन गई वो गली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, राम की हर प्रथा में व्यथा सी रही, खुद प्रजा में रही राम राजन हुए, देह संदेह से भी जलाना कभी, आग से लगी राम पावन हुए, आग से लगी राम पावन हुए, राम मानस में जो एक चरित सी ढली,
ज्वाल की और ज्वाला सी बेसुध जली, ज्वाल थी और ज्वाला सी बेसुध जली, राम बिखरे थे छन्नों में खोए हुए, जानकी से मिले तब वो दोहे हुए, जानकी से मिले तब वो दोहे हुए, खुद विधा सी रही वो विधाता हुए, याचिका वो रही राम दाता हुए, याचिका वो रही राम दाता हुए, राम मानस में जो एक चरित सीढ़ी, ज्वाल थी और ज्वाला शिव सुध जली, ज्वाल थी और ज्वाला शिव सुध जली। तो बस इतना सा एक गीत था, और इस मंच से एक युवा होने के नाते मैं एक आखिरी दो लाइन कहना चाहूंगा कि हमें जितनी जरूरत राम मंदिर की है वो बहुत अहम है, लेकिन हमें कई वक्त और इस वक्त में इस चीज की भी बहुत जरूरत है कि हम अपने पुराने साहित्यों को साहित्यों का विश्लेषण करने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए जो रामायण को पढ़े और ये बता सके हमारी युवा पीढ़ी को कि रामायण के कुछ पुराण ऐसे हैं जिन पर सबसे अधिक विवाद है, वो रामायण के उससे पहले के पुराणों उस रामायण के कुछ कांड ऐसे हैं जो जिनका स्ट्रक्चर ही साहित्य के तराजू पर अलग हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर में रामायण लिखी गई है, इस छंदों की बात मैंने की, जिन छंदों का जो स्ट्रक्चर होता है उससे ही अलग लिखा गया, उससे ही अलग है, तो आखिर ये सब क्या बाद में जोड़ी गई, क्या ये सब वो वस्तुएं थी जो हमने केवल विवाद पैदा करने के लिए जोड़ा, तो इन सब पर जब एक यूनिवर्सिटी प्रॉपर वे में संगठित रूप से एक तरह से उस पर रिसर्च करेगी जिसके जर्नल्स पब्लिश हों वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भैया और आप सभी का कि आपने वक्त दिया और मुझे सुना। धन्यवाद रामकृष्ण। आप सुन रहे थे रामकृष्णा को, युवा कवि हैं, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से पास आउट हैं और बैंगलोर में कार्य कर रहे हैं। कुछ प्रेजेंटेशंस थे, मुझे लग रहा है कि वो अपने सहभागी अभी नहीं हैं, अभी वो वापस जा चुके हैं, तो मैं कल सुबह के सेशन के लिए, सुबह 11 बजे से हमारा सेशन शुरू है, मैं चाहूँगा आप सभी सेम लॉगिन से जुड़ें। लॉगिन नहीं बदलेगा, लॉगिन सेम रहेगा जूम का, और उसी लॉगिन पासवर्ड से जुड़ेंगे सभी 11 बजे कल सुबह का सेशन में। अजय मेहता जी हैं, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं नोकिया मोबाइल्स के, अमित कपूर जी हैं चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के और नीति आयोग के साथ काम करते हैं, और हम सबके बीच, युवाओं के बीच में एक उभरता हुआ चेहरा है इकोनॉमी का भी और उत्तर प्रदेश की पब्लिक पॉलिसी का भी, साकेत मिश्र जी जो एडवाइजर हैं पूर्वांचल विकास बोर्ड के। आप साकेत जी को अक्सर हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ते होंगे, उनकी उनके विचारों को पढ़ते होंगे, उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक्स पे कैसे उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए या राष्ट्र का कैसे विकास किया जाए इसके ऊपर काफ़ी लिखा है, और पहले भी वो बैंकों के साथ पूरे विश्व में काम कर चुके हैं, और हम उनको सुन के काफ़ी हमें लाभ मिलेगा, और मैं चाहूँगा आप सब कल 11 बजे फिर से जुड़ें। धन्यवाद।